जैन साथियों, मेरा नाम है मनदीप सिंह परमार और आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस बाय मनदीप परमार में, जहां आज हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप अनुपात और समानुपात को न केवल समझेंगे बल्कि इस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि इस पेज को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि आज हम किस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन आखिर में है क्या। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में इनको बोला जाता है अनुपात एवं समानुपात। अगर रेशियो का सिनोनिम देखा जाए, रेशियो का या रेशियो का मीन्स इंग्लिश में देखा जाए, तो ये होता है रिलेशन। जो रेशियो होता है वो किन्हीं दो क्वांटिटीज में रिलेशन बताता है, उसे हम बोलते हैं रेशियो। और प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा ये बताता है कि जो दो रेशियो हैं, बोथ रेशियो, मान ले अगर दो रेशियो का कंपेयर कर रहे हैं तो बोथ रेशियो आर इक्वल। अगर दोनों रेशियो इक्वल हैं तो संख्याएं क्या बोली जा सकती हैं? समानुपाती। चलिए, रेशियो जैसे अगर मान लीजिए ए रेशियो बी लिखा है तो हम इसको लिखेंगे ए अपॉन बी। ठीक है, अनुपात में ये जो रेशियो इज टू का जो साइन है इसको हम इज टू भी बोलते हैं, तो इसको पढ़ते हैं ए इज टू बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, लेकिन ये तो फ्रैक्शन हो गई, तो फिर फ्रैक्शन और रेशियो अलग अलग कैसे हुए? फ्रैक्शन जहां सिर्फ एक क्वांटिटी को बताता है, अगर आपसे कोई बोले कि हाफ के जी चीनी, तो आपने क्या बताया? क्वांटिटी किसकी? चीनी की कितनी है? हाफ के जी। तो ये फ्रैक्शन में लिख गया, लेकिन ये सिर्फ क्या बता रहा है? एक क्वांटिटी बता रहा है। वहीं पे अगर 1:2 लिखा हुआ है, अगर दो क्लास हैं ए और बी, इसमें स्टूडेंटों की संख्या जो है वो इतनी है, एक यूनिट है, इसमें दो यूनिट है, यानी कि इसमें जितनी स्टूडेंट होंगे इसमें उसके डबल होंगे। तो रेशियो हमेशा क्या करता है? हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है, जबकि फ्रैक्शन क्या बताता है? फ्रैक्शन बताता है सिर्फ क्वांटिटी। प्रोपोर्शन क्या होता है? सपोज करिए कि 2:3 है, 2:3 है, अगर मैं इनमें सेम संख्याओं से मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए अगर मैं 3:3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2:3 6 एंड 3:3 9। तो मैंने अगर सेम संख्या से इनमें मल्टीप्लाई किया है तो ये जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल रहे, और इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। में कैसे रहेगा इक्वल? अगर मैं 6/9 को सॉल्व करूं तो क्या निकलेगा? 2/3, और 2/3 तो ये पहले से था ही। तो हमेशा रेशियो दो कब इक्वल होंगे? जब सेम संख्या से हम दोनों संख्याओं में डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो वो संख्याएं कैसे में किस में होंगी? प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन को हम एक और शब्द बोलते हैं, जैसे कि अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती। सपोज करिए कि एक रेशियो ए है या क्वांटिटी ए है वो अनुक्रमानुपाती है बी के, तो अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी साइड, जिस साइड इसका मुंह रहता है, तो के बी। अब के क्या हो सकता है? के का फ्रैक्शन भी हो सकती है, यानी डिवाइड भी हो सकता है के का मतलब, और के का मतलब मल्टीप्लाई भी हो सकता है। मल्टीप्लाई कैसे? मान लीजिए के की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 ऐसे, तो बी में हो गया मल्टीप्लाई, और के की वैल्यू अगर 1/2 1/3 3/4 इस टाइप से, तो क्या हो गया? वो डिवाइड। तो यही तो हमने यहाँ पे किया था। मान लीजिए अगर मैं इसको ए मानता और ये अनुक्रमानुपाती था इसके दूसरी संख्या के, मान लीजिए बी के, तो ए को बी के बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे 6 और 9 में 3:3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो 1/3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें कौन सी संख्या मिल गई? सेम ये वाली संख्या मिल गई, तभी तो इसके बराबर हुई। अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड कर देता तभी तो मुझे ये संख्या मिलती, तो इसको हम अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से अब समझते हैं। देखिए, अगर कभी भी आपको ऐसे रेशियो दिया जाए कि ए रेशियो बी है और बी रेशियो सी है, तो इसके जोड़े ए बी सी के क्या बनते हैं? ए बी बी सी सी ए, और आपसे लास्ट जोड़ा पूछा जाए, ए अपॉन सी पूछा जाए, या सी अपॉन पूछा जाए, या बी अपॉन सी पूछा जाए, तो आपको एक लॉजिक लगाना है। तो देखिए, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2 एंड
बी अपॉन सी इज इक्वल टू 3/4। अब आप बताइए मुझे इनमें ऐसा क्या करूं कि मुझे ए अपॉन सी मिल जाए। तो देखिए अगर मैं इस संख्या में इस संख्या से मल्टीप्लाई करूं तो बी से बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए अपॉन सी। तो मल्टीप्लाई करो दोनों में, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 3/4। बी से बी कट गया तो क्या बचा, ए अपॉन सी। इसको अपॉन लिख लो या रेशियो लिख लो या इसको कुछ भी बोलो, 3 3 जा 9, रेशियो 8। तो 9:8 आपका ऑप्शन डी करेक्ट। ये रेशियो में तो इस टाइप का जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ए अपॉन सी या सी अपॉन ए, अगर सी अपॉन ए निकालना होता तो हम 9:8 को 8:9 यानी उल्टा कर देते बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा जो दिया रहेगा इसमें आपको इक्वल में दिए रहेंगे, पिछले क्वेश्चन में आपको किसमें दिए थे, इज टू में, रेशियो में, यहाँ कैसे दिए हैं इक्वल में। तो आप पहले इसको रेशियो में बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b, अगर b को इधर लेके आए तो a अपॉन b इज इक्वल टू 2, इधर आ जाएंगे 3 पहले से है तो 3/2। सेम वे 4b इज इक्वल टू 5c, अगर सी को मैं इधर लेके आऊं बी अपॉन सी निकाल लूं तो क्या हो जाएगा 5/4, सेम पहले की तरह हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए अपॉन सी बचेगा यानी ए रेशियो सी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, एंड 2 का 4 से करेंगे, 3 का 5 से किया तो 15 हो गया, 2 का 4 से करेंगे तो 8। तो 15:8 कहीं पे है या 15:8, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 1:3:5 और हमसे वैल्यू पूछी गई है इसकी। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, देखिए ए की जगह पे यहाँ कितना है 1, बी की जगह पे यहाँ कितना है 3 और सी की जगह पे यहाँ कितना है 5। इस क्वेश्चन में आप इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो रखिए 4a, a की जगह पे आपको कितना रखना है 1, b की जगह पे आपको क्या रखना है माइनस में, b की जगह पे रखना है आपको 3, प्लस 2c, c की जगह पे कितना लिखना है 5। सेम वे नीचे 3 मल्टीप्लाई a, a की जगह पे 1, b की जगह पे 3 और c की जगह पे 5। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 से 3 गए तो 1 और 5 2 10, 10 और 1 11, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 11 और नीचे सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 और 1 9 मल्टीप्लाई 3 11/27। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आज आप सॉल्व करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पिछले सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाने का मेरा पर्पज हमेशा यही रहता है कि जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिले एग्जाम के बारे में भी और किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका एक और डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर यहाँ ए इज टू बी इज टू सी ऐसे दिया हुआ है और आपसे इसकी वैल्यू निकलवाई आपने निकाल दी, वहीं अगर यहाँ पे 4a² होता तो क्या हम सेम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, तो इसका आंसर क्या आता कि ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 3, सी की जगह पे 5 रख के क्या आंसर हम निकाल सकते थे। तो उसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। अगर ऐसे ए बी सी की वैल्यू दे रखी है यानी ए और बी सी का रेशियो दे रखा है और डिग्री जो है अगर वो डिफरेंट हो जाए, डिग्री डिफरेंट हो गई ना, देखिए ये 2 यहाँ पे 2 और इन सब में 1 1, सबकी डिग्री डिफरेंट होगी, अगर डिग्री डिफरेंट हो जाए तो उसके आंसर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप ए और बी और सी के रेशियो दे दिए गए थे और ऐसे ही डिग्री जो है डिफरेंट करके पूछा गया था कि तो उसका आंसर क्या करना था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, क्यों नहीं निकलेगा आंसर, तो समझिए। अब देखिए ए बी और सी तीनों की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल में इनकी यूनिट्स हैं। यूनिट्स कैसे, सपोज करिए मान लीजिए एक संख्या ए और बी, ए है 10 और बी है 15, दोनों के बीच में आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इनके महत्तम समापवर्तक या एच सी एफ से,
भाग दे देंगे भाई, काटते हैं जिस संख्याओं से लास्ट तक कटता है, जिन संख्या जितनी संख्याओं से हम काटते जाते हैं वो सभी को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ ही तो बोलते हैं। तो 5 5 से कट गए, ये तो कितने बचे, 2:3। तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया, 2:3, लेकिन ए और बी की वैल्यू क्या थी, 10 एंड 15। सेम वे ए बी सी का ये रेशियो है, ना कि ए बी सी की वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकालनी है, तो वैल्यू मान लीजिए सब में, सभी संख्याओं में किसी ना किसी संख्या से भाग दे के काट गई तो ये लास्ट हमने बनाई होगी। मान लीजिए वो संख्या थी के, तो आपकी पहली संख्या है के, 1K को के बोल सकते हैं, दूसरी संख्या है 3K, और तीसरी संख्या है 5K। अब मैं ए बी सी सबकी जगह पे मैंने 1 3 5 नहीं रखे हैं, मैंने के 3K और 5K रखे हैं। तो जब मैं सब में के रख दूंगा सभी संख्याओं के साथ में, तो क्या होगा, ऊपर से के कॉमन आएगी, नीचे से के कॉमन आएगी, तो के से के कट जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे के नहीं लिखी है। अब सपोज करिए कि अगर यहाँ पे डिग्री सेम कर दें, 2 2 कर दें सब में, तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं सेम इसी तरीके से, क्योंकि क्या होगा, के स्क्वायर लास्ट में कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो के से के कट जाएगी, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमेशा हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम जो ध्यान रखना है, क्या रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डिग्री मस्ट बी सेम। डिग्री जो है जिस क्वेश्चन की पूछी जा रही है उसकी डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री डिफरेंट है तो उसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था, यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा पूछा गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी गई थी और आपको बड़ी जो संख्या थी उसकी वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ उल्टा है, बड़ी संख्या की वैल्यू दी गई है और एक्स वाई की पूछी गई। तो इस टाइप के अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस में सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि आप ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादातर क्वेश्चंस को उनके ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक एक करके ऑप्शन रखने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिक समझ लीजिए। अगर मैं 4x की जगह पे छोटी संख्या रख दूं तो क्या होगा, मान लीजिए एक रख दी तो 4 हो गई, 3y, y की जगह पे बड़ी संख्या आ गई तो क्या होगा, 12 आना चाहिए था लेकिन आया कितना, छोटा। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं x की जगह पे y से बड़ी वैल्यू रखूं तभी तो मैं 12 लेके आ पाऊंगा। तो छोटी वैल्यू x की किसमें है, इसमें, तो ये भी नहीं होगा, और छोटी किसमें है, इसमें, ये भी नहीं होगा। अब बचे मेरे पास ऑप्शन 2, अगर मैं इसको इसमें रखता हूं तो देखिए 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 में से अगर मैं y की जगह पे 1 रख दूं तो 3, 16 में से 3 गए तो 13, नहीं ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी। इस मेथड को हम इलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं कि हम ऑप्शंस को इलिमिनेट कर दें कि कौन सा नहीं होगा, जो बचा हुआ हो वो अपना आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये था, लेकिन जब मान लीजिए कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम लगे या ऑप्शन थोड़े पेचीदा हो तब क्या करना है, तो तब के लिए देखिए आपको दे रखा है 4x² - 3y² / 2x² + 5y² = 12/19। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 4 जा 76x² - 57y² = 12 से 24x² + 60y². अब देखिए 70x² इधर है, 24x² इधर आएंगे तो 24 माइनस के हो जाएंगे, और 76 में से 24 जाएंगे तो 52x² बचेंगे। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 60y² पहले से है, 57 माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे 60 और 57 को तो 117y² हो जाएंगे। अब x² के नीचे अगर मैं y² को लेके आऊं, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, 117 के नीचे चले जाएंगे 5 2, ऊपर नीचे 13 से काटेंगे तो 9/4। अब बताइए आपके पास है x² / y² = 9/4, तो दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x/y कितना बचेगा, 3/2 या 3:2 या 3:2। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा लिखा है, वरना आपको तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए था, इस लाइन से आगे जाना ही नहीं था कि क्या निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए ये भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो अभी हम पीछे से समझ गए, इसको हमें अपॉन करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये ऊपर की संख्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा नीचे की संख्या से, है ना, और इसका होगा बीच की संख्या से। तो क्या हो जाएगा, 9 का जब 5x में किया तो 45x प्लस 18y इज इक्वल टू, 5 का जब इसमें किया तो 50x प्लस 15y। अब देखिए 50x इधर प्लस के हैं, 45x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 50x में से 45x जाएगी तो 5x। अब 18y इधर प्लस के हैं, 15y इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, जब 18 में से 15y को घटाएंगे तो 3y। तो x अपॉन y इज इक्वल टू, इधर 3 है 5 इधर आएंगे तो डिवाइड में। तो देखिए x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। अब आपको x और y की वैल्यू मिल गई तो आप इसमें रख सकते हैं, तो रखिए, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लिखना है 3 स्क्वायर प्लस 3, y की जगह पे क्या लिखना है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 4, x की जगह पे क्या लिखना है 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू y की जगह पे 5 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 3 75। सेम वे नीचे हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 जा 36 प्लस 5 5 जा 25, 9 जा 225। तो ऊपर हो जाएगा 93 और नीचे हो जाएगा 261। तो ये किससे कट रहे हैं, 3 से कितने बार, ऊपर हो जाएगा 31 नीचे हो जाएगा 87। तो 31 इज टू 87 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें कि आपसे एक्स वाई की वैल्यू दे रखी हो या एक्स वाई की वैल्यू निकलवा रहा हो, साथ में कोई बड़ी संख्या सेम डिग्री की संख्या की वैल्यू पूछी जाए, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए और बड़ी संख्या में एक्स की जगह पे, एक्स और वाई की जगह पे जो भी वैल्यू आपने निकाली है वो रख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में ए रेशियो बी दिया रहेगा और बी रेशियो सी दिया रहेगा, और आपसे पूछा क्या जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जाएगा। तो इसके करने के दो मेथड हैं, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड या बेसिक मेथड और एक है शॉर्ट। मैं आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन में एक बार बेसिक बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और समझ में भी ठीक ठाक आ जाएगा। अब समझिए कि यहाँ पे ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 7:9, एंड बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, 1:5। अब आप देखिए कि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। अब ए बी सी जब निकालेंगे तो ए बी सी यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी जब निकालेंगे तो बी की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होगी तो बी कैसे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 है यहाँ पे 1 है, तो 1 को 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर वालों में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी रेशियो सी हो जाएगा आपका 9 1 जा 9, एंड सी वाले में क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई, भाई पूरे में ही तो करना पड़ेगा 45। तो बी सी तो ये निकल आया, ए आपके पास पहले से कितना है 7, भाई बी तो यहाँ पे निकाल दिया 9 और सी हो गया 45, बी कॉमन हो गया 9, तो आपका ए बी सी कितना हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी 7:9:45। तो ऐसे बेसिक में आपको क्या करना होता है, सिर्फ जो बीच वाली बी होती है उसको कॉमन करना होता है, कॉमन करने के लिए जो भी होगा जिससे मल्टीप्लाई भाग होगा वो करो और उसके बाद यहाँ पे रख दो। अब देखिए इसकी बेसिक या शॉर्ट ट्रिक या स्मार्ट अप्रोच क्या है, आप ए बी सी लिख लीजिए सिर्फ अभी के लिए, बाकी आप अगर जैसे इसको समझ जाए प्रैक्टिस कर लें तो ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 7:9, और बी और सी की वैल्यू क्या थी नीचे लिखिए, बी सी की वैल्यू थी 1:5। आपको क्या करना है, पहले का नीचे वाली से क्रॉस, फिर सेम का ऊपर नीचे एंड फिर से क्रॉस, तो 7 1 जा 7, जब इसका बी में किया तो 9 1 जा 9, और 9 का लास्ट में किया तो 45।
ये आपका रेशियो निकल आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका एक्चुअल में लॉजिक ये है, अगर आप मान लो कि मल्टीप्लाई भी भूल जाएं कि मल्टीप्लाई किसमें करना है, तो आपको क्या करना है, रेशियो लिख लेने 7:9 ए बी का, फिर बी और सी का 1:5। अब देखिए तीन संख्याएं, लेकिन ऊपर भी दो रही नीचे भी दो रही, तो देखिए 9 के पीछे क्या संख्या लिख सकते हैं, जिसके आगे या पीछे कोई संख्या नहीं है, तो जो संख्या उसके आगे है या पीछे है वही संख्या वहां पे लिख देंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है इसके पीछे 9 के पीछे, तो क्या लिख देंगे 9। यहाँ 1 के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। अब ऊपर नीचे की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच में रेशियो लगा दीजिए, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। ये जो मेथड है जिसमें हमने आगे पीछे संख्याएं लिखी हैं, ये मोर देन 4 4 या 4 से ज्यादा जब अंक होंगे आपके, ज्यादा रेशियो होंगे तब सूटेबल ज्यादा है, क्योंकि तब आपको थोड़ा टाइम लगेगा और इससे बड़ी इजीली हो जाएगा। अगर तीन संख्याओं का निकालना है तो आपको सीधा सीधा यही करना है कि आगे पीछे वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच बीच वालों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पीछे तो दिया था आपको ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, लेकिन यहाँ पे क्या किया है आपको, इक्वल टू में दे दिया है। अगर इक्वल टू में दिया है तब क्या करेंगे, तो देखिए 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अब देखिए वैसे तो ये है कि अगर आप a के बराबर निकालें तो निकलेगा 1/2, b के बराबर 1/3, c के बराबर 1/4, लेकिन निकलेगा कैसे वो समझ लीजिए। मान लीजिए सबके बराबर है k, तो 2a बराबर भी k हो जाएगा, 3b के बराबर भी k हो जाएगा, है ना, सबके बराबर k लिख लिया है, तो 4c के बराबर भी के हो जाएगा। तो ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, K/2, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, K/3, और सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, K/4। अब मैं रेशियो अगर निकालूं सबके बीच में, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो क्या होगा, K/2 रेशियो K/3 रेशियो K/4। तो के सब में कॉमन है, के कट जाएगी सब में, है ना, तो क्या बचेगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो आपको जब भी इक्वल टू का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सीधी कौन सी लाइन पे आ जाना है, लास्ट। जब भी इक्वल टू का जो साइन मिलेगा तो जिस संख्या के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में है वो उल्टी हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, डिवाइड में। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था तो क्या हो गया, 1/2, 3 था तो 1/3, 4 था तो 1/4। अगर यहाँ 1/2 होता, 1/2 इज इक्वल टू 1/3 बी इज इक्वल टू 1/4 c हो जाता तो क्या होता, तो उल्टा करते तो फिर ये 2a 3b और 4c बन जाते। अब देखिए यहां से आपका एक सेकेंड टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि जब रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में हो, किसमें हो, फ्रैक्शन में या व्युत्क्रमानुपात, या व्युत्क्रमानुपात यानी रेसिप्रोकल रेशियो में हो, तो फ्रैक्शन में हो तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्चुअल लॉजिक है इसका कि जो नीचे के आपके हर हैं, डिनोमिनेटर हैं, हम उनका एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एलसीएम, और सभी संख्याओं में ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, किससे, एलसीएम से, इसमें भी इसमें भी और इसमें। दूसरा, एलसीएम लेने के झंझट से बचना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जिस संख्या में मल्टीप्लाई करना है उस संख्या के नीचे की संख्या को छुपाओ। वैसे देखिए इसका 12 ही आता तो 12 का ऊपर मल्टीप्लाई करते, फिर 2 से काटते तो 6 आता, लेकिन अब डायरेक्ट देखिए क्या आएगा। तो देखिए अब मुझे 1/2 में मल्टीप्लाई, इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, नीचे की 2 छुपा दी, बाकी के दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 4 जा 12 पहली संख्या। अब मुझे 1/3 में करना है तो 3 को मैं छुपाऊंगा, इन दोनों को कर दूंगा 2 4 2 और 4 को, तो 2 4 जा 8। अब मैं 1/4 में मल्टीप्लाई करना है तो 4 को मैं छुपा लूंगा, इन दोनों का कर दूंगा 3 2 जा 6। ये रेशियो निकला 12 8 एंड 6। अब देखिए सभी में 2 से भाग और जा रहा है ना भाई, 12 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, तो 2 से 12 में गया 6 टाइम, 8 में गया 4 टाइम एंड 6 में गया 3 टाइम, तो 6:4:3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे लंबा किया है। आपको क्या करना है, आपको इस लाइन से सीधे इस लाइन पे आना है और इसके बाद ये लाइन आपकी आ जाएगी विद इन
5 to 10 seconds। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे लॉजिक क्लियर होते जा रहे होंगे, और अगर क्लियर होते जा रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है, तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ए रेशियो बी इज टू, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब ए इज टू बी, बी इज टू सी और सी इज टू डी या डी इज टू ई, 4, 5 या 2, 3 जितनी भी संख्याओं में रेशियो दिए हों और निकालने हो तो कैसे करते हैं। तो सेम वे आप यहाँ पे वही करिए, ए बी सी डी, स्मार्ट अप्रोच से करते हैं इसको, शॉर्ट मेथड से। ठीक है, बेसिक तो आपको बता ही दिया था। तो देखिए ए और बी में क्या रेशियो है, 2/3, और बी और सी में क्या है, 3:4, और सी और डी में क्या है, सी और डी में है 3:5। आपको ऐसे लिखना है नीचे, एक एक स्टेप नीचे करके। अब देखिए ऊपर की लाइन में 3 के बाद कोई संख्या है नहीं है, तो 3 के बाद अगर कुछ नहीं है तो 3 लिखेंगे आप सी में भी और डी में। अब देखिए इस वाली संख्या में 4, सी सी के नीचे कितनी है, 4, 4 के पीछे कोई संख्या है नहीं है तो क्या लिखेंगे, 4। यहाँ 3 के आगे कोई संख्या है नहीं है तो क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए इस 3 के आगे ना यहाँ पे है ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, जिस संख्या के आगे पीछे कोई नहीं होता तो उस संख्या के आगे पीछे कौन सी संख्या लिखते हैं, जो उसके आगे या पीछे रहती, 3, 3। अब सेम वही कहानी इन सभी संख्याओं का आपस में, इन सभी संख्याओं का आपस में, और इन सभी संख्याओं का आपस में, और इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच में रेशियो लगा दीजिए, ए बी सी डी निकल आएगा। 5 संख्या होती तो 5 को भी ऐसे ही करते। अब इसमें एक और शॉर्ट मेथड ये है कि आपको क्या करना है कि चारों संख्याओं में देखना है कि कोई संख्या कॉमन तो नहीं है। वो इसलिए कि अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी लास्ट में, फिर आपको किसी ना किसी संख्या से काट के आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो चारों में 3 कट गए। अब ऐसी कोई भी संख्या है जो चारों में कॉमन हो, नहीं है तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 6, रेशियो 3:3 जा 9, रेशियो 4:3 जा 12:4:5 जा 20, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हम इससे प्रीवियस से प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे रेसिप्रोकल रेशियो आपसे पूछा गया है, व्युत्क्रमानुपात पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, व्युत्क्रमानुपात यानी कि किसी भी अनुपात का उल्टा। एक्स का व्युत्क्रम अनुपात क्या हो गया, 1/x, व्युत्क्रम यानी उल्टा ही तो होता है हिंदी में, रेसिप्रोकल बोलते हैं जिसको, 1/y, 1/z। अब ये इतने दिए हुए हैं तो एक्स वाई जेड पूछा है। तो देखिए एक्स, 1/x बराबर जब 2 है तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1/x का उल्टा किया हमने एक्स, तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2। सेम वे वाई का क्या हो जाएगा, 1/3, और सेम वे जेड का क्या हो जाएगा, 1/5। अगर रेशियो लगाएंगे सब में तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे नीचे की संख्याओं का, ऊपर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। शॉर्ट मेथड क्या है, आप जिस संख्या में मल्टीप्लाई करें उस संख्या को छुपा लो, तो 2 छुपा ली तो 3:5 जा 15 पहला नंबर निकल आया, 3 छुपा ली तो 5:2 जा 10 दूसरा नंबर निकल आया, अब 5 छुपाई तो आगे की दोनों, 2:3 जा 6, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। समझ में आया होगा, वेरी गुड। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किए हैं उसके ऊपर इस टाइप से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी में कोई एक्स रुपए की राशि बांटी, टोटल राशि कितनी है, एक्स रुपए, और किसमें बांट दी एक्स रुपए, ए में, बी में और सी में, तीनों। यहाँ पे बता रहा है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात यानी रेशियो बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी का रेशियो कितना है, 7:12, और बी और सी के बीच का रेशियो कितना है, बी और सी के बीच का रेशियो 8:5। भाई अगर आपको x निकालना है, वो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो x निकालने के लिए आप a b c सबके मान निकालोगे ना,
तो एबीसी कैसे निकालते हैं वो पीछे हम सीख के आए हैं। पहला क्रॉस बीच में ऊपर नीचे, फिर लास्ट का क्रॉस। 7 8 जा 56, 12 8 जा 96, 12 5 जा 60। सब में 4 4 से भाग जा रहे हैं। 4 से गया 14 टाइम, रेशियो 24, रेशियो 15। अब देखिए ये आपका ए बी और सी निकल आया, तो आपके पास टोटल यूनिट कितने पैसे हो जाएंगे? 14 24 एंड 15 सबको जोड़ेंगे तो 14 एंड 24 38 एंड 15 53 यूनिट कितने होने चाहिए? 53 यूनिट। भाई ये यूनिट है, ये टोटल पैसे तो है नहीं। अब उसने एक और शर्त बताई है कि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 रुपीज है। कितना अंतर है? 214। ए का हिस्सा कितना है? 14 यूनिट। सी का हिस्सा कितना है? 15 यूनिट। यानी दोनों का अंतर कितना है? 214 रुपीज। यूनिट में कितना डिफरेंस है देखिए, सी 15 यूनिट है, ए 14 यूनिट है, तो 15 में से 14 गए तो ए, तो एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? 214 के। आपको कितने यूनिट चाहिए? 53 यूनिट। तो 53 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे? 53 मल्टीप्लाई 214। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, इकाई का अंक क्या निकला? 2। बाकी किसी भी ऑप्शन में इकाई का अंक 2 नहीं है सिवाय डी के, तो डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाकी सबके ऑप्शन में इकाई का अंक 2 दिया रहता तो हम इस मल्टीप्लाई को थोड़ा और आगे सॉल्व करते और आंसर निकाल देते। चलिए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे आप और कमेंट में बताएंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चन लगाइए आप खुद से बना के। चलिए अगर देखें इसको तो कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो यानी व्युत्क्रम अनुपात, हिंदी में इसका मतलब है व्युत्क्रम अनुपात। 4 5 8 का, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/4, 5 का उल्टा 1/5 एंड 8 का उल्टा 1/8। सेम वही प्रोसीजर, आप अगर एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लो, नहीं तो वही करो। 4 छुपाओ 8 5 जा 40, 5 छुपाओ 4 8 जा 32। अब इस संख्या में मल्टीप्लाई करना है तो 8 को छुपाओ 5 4 जा 20। सभी संख्याओं में 4 से डिवाइड जाएगा अभी, तो 10 8 एंड 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आपके 4 टाइप के टोटल अनुपात होते हैं जो हमें निकालने होते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक में देखिए पहला तो हमने अनुपात जो निकाला था वो था रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम अनुपात। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये आप पीछे करके देख चुके हैं, पहला नंबर था। दूसरा नंबर जो होता है वो होता है मीन रेशियो। इसे मध्यानुपात बोलते हैं या फिर इसको गुणोत्तर माध्य भी बोलते हैं। अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, इनके बीच का माध्य निकालना है हमें, मध्य अनुपात निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? जो बीच का मध्य अनुपात है मान लीजिए वो x है, क्या है? x, तो वो कैसे निकलेगा कि दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो कभी भी किसी संख्या का अगर हम मीन रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनको स्क्वायर रूट ले लीजिए। तीसरा हमारा जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिपल रेशियो या तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाता है वो समझिए। मान लीजिए कि ए बी दो संख्याएं हैं और इसका तृतीय अनुपात आपसे पूछा गया है, तो तृतीय अनुपात है तो ये क्या है? समानुपात में होंगे किसके? अब इन दोनों का अगर तृतीय अनुपात पूछा गया तो मान लीजिए बी तो यहां पे रहेगा भाई, तृतीय अनुपात निकालना है तो मान लीजिए तृतीय अनुपात है एक्स। समानुपात क्या नियम कहता है कि अगर ये दोनों इसके बराबर हैं, सपोज करिए ए अपॉन बी, समानुपात का मतलब क्या है? इक्वल है बी अपॉन एक्स के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या समझ में आया? ए का मल्टीप्लाई हुआ एक्स में, बी का मल्टीप्लाई हुआ बी। तो
तो समानुपात में हमेशा याद रखने वाली चीज है कि जब भी समानुपात दिया हो तो आगे पीछे की संख्या का और बीच बीच की संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या निकलेगा इस मल्टीप्लाई में, देखिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अपना ट्रिपल रेशियो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ट्रिपल रेशियो क्या होता है आपका, दूसरी संख्या का आप स्क्वायर करिए और अपॉन में पहली संख्या से भाग दीजिए। चौथा अनुपात जो हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं क्वार्टर रेशियो या चतुर्थ अनुपात। क्वार्टर रेशियो में क्या करते हैं, मान लीजिए आपको ए रेशियो बी दे रखा है, ये समानुपात में है सी रेशियो, भाई तीन संख्या दे रखे हैं तभी तो चौथा निकालोगे, तो ए बी दे रखे हैं सी दे रखा है, अब चौथी संख्या आपसे पूछी गई, तो चौथी संख्या आपने मान ली वो एक्स है, सेम इस लॉजिक से निकालिए अब क्या वैल्यू निकलेगी इसकी, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी सी, एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। तो चतुर्थ अनुपात आपको ऐसे निकालना है। तो आपको ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लीजिए कि जब भी मीन रेशियो निकालना है तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, जब भी ट्रिपल रेशियो निकालना है तो दूसरी नंबर की संख्या उसका स्क्वायर करिए, नीचे भाग दे दीजिए पहली संख्या से, और जब उसका चतुर्थ अनुपात निकालना है तो बीच की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए और पहली संख्या से भाग दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपसे मीन रेशियो पूछा गया है 0.02 0.032 का, तो मीन रेशियो में हम क्या कर रहे थे, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर दो भाई 0.32 और 0.002 का, तो 64 हो गए। अब पॉइंट कितने अंक पहले लगेगा, यहाँ पॉइंट के बाद दो है, यहाँ पॉइंट के बाद दो है, तो टोटल चार हो गए, तो यहाँ अंक अपने पास दो ही है तो मैं दो जीरो बढ़ा दूंगा, यहाँ पॉइंट लग गया और पॉइंट से पहले भी जीरो रखते हैं, लेकिन ये किसमें है, स्क्वायर रूट में। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल तो क्या हो जाएगा, देखिए दो जीरो में से पॉइंट तो पहले आ ही जाएगा बाहर, दो जीरो में से एक जीरो आ गई और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो 0.08 विल बी योर आंसर। आपको बहुत लंबा चौड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, या यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि 64 है 8 आएगा, जीरो कितनी हो रही है, टोटल अंक कितने हो रहे हैं चार, तो 0.08 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल रेशियो पूछा है, तो ट्रिपल रेशियो हमने पीछे देखा था, ट्रिपल रेशियो क्या होता है, ट्रिपल रेशियो होता है पीछे वाली संख्या का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया 24 का और पहली संख्या से भाग, अगर चार से ऊपर नीचे काटें तो 6 टाइम, ये कट गया 4 टाइम, चार से ऊपर वाला कट गया 6 टाइम, तो 2 6 6 हैं, कितने हो गए 36, ऑप्शन सी करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीन रेशियो निकालना है, इस क्वेश्चन को आप निकालिए और प्लीज कमेंट में बताइए, मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, मीन रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट, अभी ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके थे के समानुपात में है 6:x किसके, 5:35 के, तो इसका लॉजिक क्या है, आगे पीछे की संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, बीच बीच की संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x = 35 का 6 में होगा तो 210, और x = 210 में जब 5 से मैं भाग दूंगा तो 42। एक तरीका, दूसरा तरीका आप यहां से भी देख सकते थे कि 5 में और 35 में क्या संबंध था, 1:7 का, यानी पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 7 है, यहाँ पे पहली संख्या 6 है जो 1 यूनिट है तो इसकी 7 यूनिट क्या हो जाती है, 42, यहीं पे यही निकला था, लेकिन ये आगे क्या हो जाता है, हर बार जरूरी नहीं है कि 1:7 या 1:1 ही कुछ आए, हो सकता है यहाँ पे 5:9 निकल के आता, तब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, तो इसलिए आप यूनिवर्सल मेथड जो है इसको हमेशा अप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सारे क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट वाइज, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कोई स्टेटमेंट देके, जैसे कि यहाँ पे कि तीन संख्याएं 3 4 5 के रेशियो में है, पहली तथा तीसरी का जो जोड़ है, देखिए ये 3 यूनिट है, ये 4 ये 5,
पहली तथा तीसरी का योग, तो पहली और तीसरी को अगर मैं जोड़ दूं तो कितने हो गए, 3 + 5 8 यूनिट हो गए टोटल, 8 यूनिट। दूसरी संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या का कितना है 4 यूनिट, तो 8 में से अगर मैं 4 को घटा दूं, 8 यूनिट में से 4 यूनिट कितने के इक्वल हो जाती है, ये 52 के। तो 4 यूनिट भाई, 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 यूनिट ही तो 52 के इक्वल हो रही है, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगी आपकी 13 के, कितने के इक्वल हो जाएगी 1 यूनिट 13 के। अगर 1 यूनिट 13 के बराबर है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें, 3 4 5 में से 5 वाली, तो 5 यूनिट कितने की हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 30 13 सॉरी 65 के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोई डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखिए यहां दिया हुआ है कि दो संख्याएं 3:4 के रेशियो में हैं और इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब आप समझिए कि 10 और 20 हैं, इनका एलसीएम कितना है 20, लेकिन अगर इसको मैं रेशियो में लिखूं 1:2, तब भी एलसीएम तो 20 ही है, तो 1:2 अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तब भी 2 का भाग किस में जाएगा, 20 में पूरा पूरा जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे जो 3:4 है उसका दोनों का मल्टीप्लाई किस में जाना चाहिए, भाग 84 में, तो 3 4 जा 12 कितने हो गए, 3 4 जा 12। एलसीएम से डिवाइड करेंगे जब इसको, 84 में डिवाइड करेंगे इसका, तो कितने टाइम गया 7 टाइम, यानी कि 1 यूनिट कितने के बराबर है 7 के। तो पहली संख्या जो है वो 3 यूनिट, तो 3 × 7, दूसरी संख्या आपकी 4 यूनिट है यानी 4 × 7। आपसे पूछा कौन सी है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो हो गई 28 और छोटी संख्या होगी 21, ये लॉजिक है इसका, तो 28 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं जो 3 और 5 के रेशियो में है, 3 और 5 के रेशियो में है और इनका जो मल्टीप्लाई है वो 2160 है। तो मानिए कि पहली संख्या जो है वो 3K है और दूसरी संख्या जो है वो 5K है, मल्टीप्लाई कितना है इसका 2160, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15K² = 2160, के स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इधर आएंगे तो 15 से 2160 में भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 4 4 टाइम। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, याद होगा सबको 12, तो 12 एक यूनिट, के का मतलब क्या है यूनिट, तो 1 यूनिट आपके कितने के बराबर है 12 के। तो वो पूछ रहा है इसमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 और 5 में से छोटी कौन सी संख्या है 3, तो 3 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएंगी जब 1 यूनिट 12 के बराबर है, तो 3 × 12 यानी कि 36, ऑप्शन ए। तो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछे जाएंगे और आपको इस टाइप से लॉजिक से उसको क्लियर कर देना है। ये संख्या जो है यहाँ पे 3 है तो 3 वर्ग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब रूट लास्ट में निकालना पड़ेगा, लॉजिक वही है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें ये 5K है मान लीजिए, ये 6K है और ये 7K है, सभी संख्याओं का गुणनफल इतना है तो सबका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5 × 6 × 7, और 3 टाइम मल्टीप्लाई के का हो गया तो क्या हो गया K³ = 5670। इधर कितना हो जाएगा 7 6 = 42, 42 5 = 210, तो K³ = 5670/210, 0 से 0 खत्म, 21 से इसको काटेंगे कितने टाइम 21 2 42, 42 में बचे 5 1 5 1 5 7, 7 टाइम। तो K³ जो है वो है 27, तो K कितने के बराबर हो जाएगा, दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे तो 3, तो 1 यूनिट जो है वो है आपकी 3 के इक्वल, कितने के इक्वल है 3 के इक्वल। तो आपसे कौन सी संख्या पूछी गई, बड़ी, तो बड़ी कौन सी है 5 6 7 में, 7 यूनिट, तो 1 यूनिट जब 3 के इक्वल है तो 7 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगी 7 × 3 यानी कि 21 के, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बड़ी स्पीड से आपका काम चल रहा है और स्पीड से इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं समझ,
कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे 2019 के सीजीएल में पूछा गया। दो संख्याओं के अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात इतना है, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? यहाँ पे भी देखिए लास्ट में मल्टीप्लाई सभी संख्याओं का क्या होगा। देखिए सेम वही के मान लीजिए सबको, के दो संख्याएं, एक है ए और एक है बी। तो ए और बी का अंतर कितना है? 1K। तो 1K को मैं के लिख सकता हूं सिर्फ, ठीक है। ए प्लस बी दोनों का योगफल कितना है? 7K। और दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, यानी ए बी कितना है? 24K। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है नंबर सिस्टम से या सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से या एलजेब्रा से जिसमें ये तीनों चीजें आती हो? वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला है वो? वो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB। कैसे निकालते हैं इसको, चलो वो भी देख लेते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे लेकिन उसके चिन्ह कैसे हैं बदल जाएंगे क्योंकि आगे क्या है माइनस, तो ए स्क्वायर जो प्लस में आते थे वो हो गए माइनस के, फिर माइनस के 2AB जो होते थे वो हो गए प्लस के माइनस की वजह से, और जो बी स्क्वायर प्लस में खुलते थे वो हो गए माइनस के। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 2AB 2AB क्या मिलके बन गए? 4AB, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम इस फॉर्मूला में? ए प्लस बी कितना है अपना? 7K का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी कितना है? 1K। तो के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB। AB कितनी है आपकी? 24K। यही है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 49K स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 96K। अब देखिए जो 96K है इस K को अगर मैं इधर लाऊंगा, यानी 48K स्क्वायर इधर है और 96K इस साइड है, तो K से K स्क्वायर K टाइम कटेगा और 48 से 96 इधर 2 टाइम, तो K इज इक्वल टू क्या निकला? 2। यानी एक यूनिट कितने के इक्वल है? 2K। तो देखिए K कितने के इक्वल है? 2। यानी कि एक यूनिट कितने के इक्वल है? 2K। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? गुणनफल। क्या पूछा है? गुणनफल। तो गुणनफल क्या था? ए बी, और ए बी कितना था? 24K। तो 24K, के की जगह पे क्या लिखना है? 2, यानी 48 आपका मल्टीप्लाई होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो इस क्वेश्चन के साथ ही आप लोग प्रवेश करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में। इस टॉपिक में आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को भी जानोगे जिससे कि आप आधे से ज्यादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उसे समझने के लिए पहले हम एक ब्लैंक पेज पे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि जो मेथड बनने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बनता कैसे है और कहाँ कहाँ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। समझिए अब आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक रेशियो है एक्स रेशियो वाई, ठीक है, इसमें ऊपर जो दोनों संख्याएं हैं इनमें कोई सेम संख्या जोड़ दी जाए, कोई सेम संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो जो रेशियो है वो हो जाता है आपका ए रेशियो बी। अब देखिए सपोज करिए 10 और 15 है, रेशियो में नहीं लिख रहा लेकिन वैसे ही समझा रहा हूँ, 10 और 15 है, दोनों में 5 5 जोड़ दो आप तो ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएं, बड़ी इसमें से छोटी को, इधर भी इसमें से इसको को घटाएं तो ये दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई मैंने इधर भी 5 जोड़ा था तो जोड़ा, तो कैसे निकालेंगे इसको? 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, है ना, इधर भी 5 निकलेगा इधर भी 5, भाई यही तो जोड़ा था। तो सेम वे मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी, भाई सेम चीज जोड़ी है या घटाई है तो यही होगा। इसकी पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज अगर मैं वाई को इधर लाऊं तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, इधर आएंगे प्लस के, बी पहले से माइनस के तो ए माइनस बी, दूसरी चीज ये। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा रेशियो दिया जाए कि जिसमें इन दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो क्या करेंगे?
हम इन दोनों के डिफरेंस को इक्वल कर लेंगे, ऊपर ऊपर की संख्याओं के और नीचे नीचे की संख्याओं के डिफरेंस को इक्वल कर लेंगे। जैसे कि आपका पिछला एग्जाम्पल है कि 7 एंड 13, 7 एंड 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें, सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 बन जाए। अब देखिए, अगर मैं सेम संख्या जब दोनों में जोड़ रहा हूं तो यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 7 में से 2 गए तो 5 का, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 10 का। जब मैं सेम संख्या जोड़ रहा हूँ तो डिफरेंस अलग अलग क्यों आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं तो उसको बराबर करो। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों के डिफरेंस को बराबर कर लूंगा और इन दोनों के डिफरेंस को बराबर कर लूंगा। तो देखिए, 7 से 13 कितने टाइम ज्यादा है, सॉरी कितने ज्यादा है, 6, और 2 से 3 कितना ज्यादा है, 1। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इक्वल कैसे करेंगे, ऊपर जो 6 है इसको नीचे भी 6 करना चाहिए, तो कैसे करेंगे, नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, ऊपर का रेशियो था आपका 7:13, नीचे का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:2 जा, भाई इसमें कर रहे हैं तो सभी पूर्ण दोनों संख्याओं में करना पड़ेगा, 6:2 जा 12, 6:3 जा 18। अब देखिए, यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ भी डिफरेंस 5 का है, 5 5 का डिफरेंस है, तो जितने का डिफरेंस निकला वही आपकी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिस संख्या को इस रेशियो में, फर्स्ट रेशियो में जोड़ दें तो ये रेशियो बन जाएगा। जैसे कि अगर 5 को यहाँ जोड़ें तो 7 और 5 कितने हो जाते, 12, और 13 में 5 जोड़ते तो होते 18, 6 से काटते तो 2:3। तो इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर लेते, वो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन आपको मेथड भी समझ में आना चाहिए। यही फॉर्मूला, यही तरीका हम लगाएंगे जब संख्या घटानी हो, तो जो डिफरेंस यहां निकल के आएगा यही जोड़ा जाएगा या फिर यही घटाया जाएगा। लेकिन इस तरीके की लिमिटेशन है, लिमिटेशन कब है कि अगर मान लीजिए सेम संख्या जोड़ी थी तो हमने इस तरीके से निकाल दी, अब वहीं पे इसमें अगर डिफरेंट संख्या जोड़ी जाती तो हम कैसे निकालते, तो ये वाला मेथड फेल हो जाता। तो जो डिफरेंट नंबर जोड़े जाते हैं फिर हम जो रेशियो निकालते हैं या संख्याएं निकालते हैं उसी मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे बनता है वो भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या एक्चुअल में, ये है, जैसे पिछले क्वेश्चन को ही ले लें कि 7:13 में क्या जोड़ा जाए कि रेशियो जो है वो 2:3 हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर इसमें एक्स जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, एक्स। तो देखिए, हम बेसिक तरीके से तो इसको ऐसे ही करते हैं ना, बेसिक से 7 और 13 लिखते हैं, ऊपर भी एक्स जोड़ देते, नीचे भी एक्स जोड़ देते, ठीक है, और रेशियो क्या हो जाता अपना, 2:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो एक्स की वैल्यू आपको निकल के आ जाती। वहीं पे अगर यहाँ पे नंबर दे दिए जाए, क्या दे दिए जाए, नंबर, और आपसे संख्या निकलवाई जाए, तो संख्या कैसे निकलेगी, संख्या ऐसे निकलेगी कि 7 को हम मानेंगे 7K, 13 को मानेंगे 13K। मान लीजिए ऊपर जोड़े गए हैं 7 किसी संख्या में और नीचे जोड़े गए हैं 12, और नया रेशियो जो है वो आपका 5:2 हो जाता है। तो फिर आप K की वैल्यू, पहले K यूनिट, 1 यूनिट निकाल लोगे, 1 यूनिट निकल के आएगी तो आप उसको 7 और 13 में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये जो बेसिक में हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लास्ट लेके आते हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा। देखिए, 7 और 13 थे, ठीक है, आपने इसमें क्या जोड़े, आप इसमें क्या जोड़े या क्या घटाएं कि ये 2:3 बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। तो 7 3 जा 21 और 13 2 जा 26, तो बड़ी क्या है, 26, 26 में से 21 गई तो 5, तो छोटी से छोटी संख्या आपको 5 जोड़नी पड़ेगी। अगर घटाने के लिए पूछ रहा है किसी मेथड में तो घटाने के लिए भी जो डिफरेंस निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा। वहीं पे इसके जो एडवांस यूज हैं, वो हम आगे
क्वेश्चंस में देखेंगे और समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए घटाने के लिए आ गया सेम, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड दोनों से कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर देते हैं और जो दूसरा मेथड है उससे भी कर देते हैं। जो दूसरे मेथड को जिसमें हम रेशियो को बराबर कर रहे थे उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। तो देखिए 15:19 है, क्या घटाया जाए कि 3:4 बन जाए। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओ, 15 4 जा 60, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 19 3 जा 57, तो 60 में से 57 गए तो 3, सबसे छोटी संख्या वो क्या है 3। अगर 15 में से 3 घटा दें तो 12 बचेगा, 19 में से 3 घटा दें तो 16 बचेगा, और 4 से सब दोनों को काटें तो 3:4 बचेगा। अगर दूसरे मेथड से बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से हम करते तो देखिए 15:19, दूसरा क्या है आपका 3 एंड 4, डिफरेंस यहाँ कितने का है 12 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ तो है 12 का डिफरेंस, यहाँ है 15 का, बराबर नहीं है तो इधर बराबर कर लो। इधर डिफरेंस कितना है 4 और इधर डिफरेंस कितना है 1, तो ऊपर 4 है नीचे 1 है तो नीचे 4 बना दो। 4 बनाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर तो रहेगा 15 एंड 19 और नीचे हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो यहाँ भी अब 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी अब 3 का डिफरेंस है। बराबर कर लिए रेशियो, बराबर करने पे डिफरेंस जो भी निकला वही आपका आंसर। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की लिमिट कहाँ पे है, लिमिट है अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होती, कोई 87 टाइप, यहाँ 96 होते, यहाँ भी कोई ऐसी बड़ी संख्या होती, तो क्या होता कि कैलकुलेशन इससे ज्यादा बड़ा हो जाता, जबकि यहाँ बैलेंस वाले में कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको जहां जो मेथड सूटेबल लगे वहां ये मेथड लगा दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसका एक एडवांस यूज है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का, ये तो भी बेसिक यूज हो गया इसका, अभी एक एडवांस यूज है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अभी पीछे तो वो पूछता था कि क्या जोड़ा जाए, अब वो पूछ रहा है कि क्या ये जोड़ दिया 12 जोड़ दिया तो नई संख्या, नया अनुपात ये हो गया, तो संख्या बताओ। पहले संख्या नहीं पूछ रहा था, पहले पूछ रहा था क्या जोड़ा जाए, अब पूछ रहा है कि क्या संख्या कौन सी होंगी। तो देखिए पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको CPM, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को। 6 और 7 पहला रेशियो था, दोनों रेशियो में 12 12 जोड़े गए, कितने जोड़े गए 12 12, तो क्या हो गए 9 और 10, कितने जोड़ने पर इस इधर भी 12 जोड़े गए, इधर भी 12 जोड़े गए। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे काम करता है, एडवांस यूज यही था। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। तो देखिए 10 6 60, 9 7 जा 63, 63 में से एक तो हो गया 63 और एक हो गया 60, तो 63 में से 60 गए तो 3 बचा। अब नीचे भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120, 120 में से 108 गए तो 12 बचे। तो जो नीचे का डिफरेंस जो निकल के आएगा उसमें आप ऊपर वाले डिफरेंस से भाग दे दो, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 4, तो एक यूनिट जो है वो कितने की इक्वल है 4 के, एक यूनिट कितने की इक्वल है 4 के। तो पहली संख्या है आपकी क्या थी 6:7, यानी 6 यूनिट और 7 यूनिट, तो 6 यूनिट पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो 6 छोटी है तो 6 × 4, तो 24 आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को हम पिछले मेथड से भी कर सकते थे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से, उससे कैसे करते उसको, उस मेथड को भी इसमें एक बार और कर लेते हैं जिससे आपको वो मेथड भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 6:7 है, 9:10 हो जाता है, कितने जोड़ने पर होता है 12, चलो उसको नहीं लिखते। अब देखिए यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, इक्वल है तो हमें कहीं अब कोई मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कितने का डिफरेंस है 3 का, 3 का डिफरेंस होता है कितने जोड़ने पर 12 पे, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी आपकी 12/3, यानी कि 4 के, एक यूनिट कितने के इक्वल है 4 के, तो पहली संख्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 6, दूसरी संख्या हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 4,
छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी यानी 24। अब क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का सबसे बढ़िया यूज कब है, जब डिफरेंट नंबर जोड़े जाएं। तो देखिए डिफरेंट नंबर कब जोड़े जा रहे हैं, नेक्स्ट संख्या में देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला रेशियो है 8:9, अब पहली संख्या में 7 जोड़ रहा है और दूसरी संख्या में 12 जोड़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जोड़ रहा है, तो जो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो वाला है वो यहाँ काम नहीं करेगा। कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। कितने जोड़ने पर, पहली में 7 जोड़ते हैं, दूसरी में 12 जोड़ते हैं, लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ऊपर हो जाएगा देखिए, 8:6 = 48, 9:5 = 45, 48 में से अगर 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12:5 = 60, 7:6 = 42, तो 60 में से जब 42 जाएंगे तो क्या बचेगा, 18। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला डिफरेंस होता है उसमें ऊपर वाले डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकला, एक यूनिट हमारा 6 के, किसके बराबर निकली, 6 के बराबर। तो ये क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए 8 और 9 में से कौन सी संख्या बड़ी थी, 9 यूनिट, तो एक यूनिट 6 के बराबर, तो 9 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी, 54 के। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के एडवांस यूज को भी आप लोग सीख चुके हैं। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ये भी आपको क्लियर होता जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेम पहले तो जो क्वेश्चन है उनमें, बस इसमें डिफरेंस, उनमें डिफरेंस क्या है, वो संख्या से रिलेटेड पूछे जा रहे थे, बात यहाँ पे सेम वही है। अब देखिए राघव और उसके बेटे की उम्र 5 वर्ष पूर्व, 5 years before या बैक कुछ भी लिखो, कितनी थी, 8:1। अब 5 years आफ्टर, आफ्टर 5 years अब कितनी हो गई, 3:1। समझने वाली बात यह है कि 5 आज से 5 साल पहले की दी है और आज से 5 साल बाद की भी दी है, तो टोटल कितने ऐड हो गए एज में, 10। मान लीजिए आज किसी की उम्र है 20, 5 साल पहले का वो बता दिए कि 5 साल पहले था वो 15 का, और 5 साल बाद वो कितने का होगा, 25 का, तो कितना ऐड हो जाएगा 5 साल बाद में, 10 ऐड हुआ ना भाई। तो वही यहाँ पे दोनों संख्याओं में क्या क्या जोड़ा जा रहा है, 10 10, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो, लगाइए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 में से 3 गए तो 5, 10 3 जा 30, 30 में से 10 1 जा 10 गए तो 20, 20 में जब 5 से भाग देंगे तो 4 10, एक यूनिट कितने के इक्वल है, 4 के। तो 5 साल पहले की उम्र निकाल लो आप, किसकी पूछ रहे हैं, राघव की, तो राघव 8 यूनिट था 5 साल पहले, तो 8 × 4 यानी कि 32 ईयर्स तो राघव था 5 साल पहले, अब कितने का होगा राघव, 5 ईयर्स ज्यादा होगा, तो 37 ईयर्स उसकी एज है प्रेजेंट। समझ में आया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये जो पिछले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उनसे थोड़ा डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे कि एक रेशियो दिया हुआ था, उसके दोनों नंबर्स में या तो हम सेम नंबर जोड़ के नया रेशियो बना रहे थे या फिर डिफरेंट नंबर जोड़ के एक नया रेशियो निकाल रहे थे, और उसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड या फिर बैलेंसिंग ऑफ रेशियो यानी रेशियो को बराबर करके हम सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक परीक्षा में पास और फेल होने वाले स्टूडेंट्स में 5:2 का रेशियो, यदि फेल होने वालों की संख्या यानी अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 14 बढ़ा दी जाए, सिर्फ किसको बढ़ा रहा है, ये फेल होने वालों को, तो रेशियो क्या हो जाता है, 9:5। समझिए कि पास और फेल में रेशियो था 5:2, ठीक है। अब इसने क्या किया, सिर्फ फेल वाले में 14 ऐड कर दिए, सिर्फ फेल वाले में, तो रेशियो क्या हो गया, 9:5 हो गया, पहले 5:2 था। अब देखिए जब 9:5 हो गया तो सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि पास में जब मैंने कोई डिफरेंस नहीं किया तो पास वाले जो रेशियो वो इक्वल होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे, जब इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया, तो अभी भी ये बराबर ही हैं, लेकिन इनको बराबर लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए 5 और 9 को इक्वल करने के लिए नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों संख्याओं में होगा ना कि एक में। अब देखिए पास और फेल वालों का क्या रेशियो बन जाएगा नया,
पहले वाला हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 45 इज टू 18। नीचे वाला हो जाएगा 5 9 जा 45 इज टू 5 5 जा 25। ये पास ये फेल, तो पास वाले इक्वल हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए कि फेल वालों में कितने रेशियो का डिफरेंस हो गया, कितने रेशियो बढ़ गए, 7 यूनिट। कितने यूनिट बढ़े, 18 से 25, 7 यूनिट। कब बढ़ते हैं ये 7 यूनिट, जब इसमें 14 ऐड किया जाता है। तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 14, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 14/7 यानी कि 2 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है आपकी, 2 स्टूडेंट के। अब टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने थे, 45 तो आपके पास थे और 18 आपके फेल थे। पास कितने थे 45 और फेल कितने थे 18। टोटल स्टूडेंट हो गए थे 63 यूनिट। कितने यूनिट, 63 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने के इक्वल है, 2 के। तो टोटल कितने हो गए, 126, ऑप्शन सी। तो जब कभी भी एक रेशियो दिया हो और उसमें सिर्फ एक ही संख्या में कुछ ना कुछ ऐड या घटाया जा रहा हो तो आपको इस तरीके से उसको निकालना है। इससे क्या है, आपका क्वेश्चन बड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जहां पे हम फ्रैक्शन से नॉर्मल रेशियो बनाते थे और सेम संख्या ये जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो पहले देखिए फ्रैक्शन क्या क्या दी हुई है आपकी रेशियो में, 1/1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और 1 3/2। दूसरी वाली हो जाएगी 3 2 जा 6 एंड 2 8/3। सेम वे इधर वाली संख्या हो जाएंगी 3 1 जा 3 एंड 2 5/3। एंड रेशियो 2 2 जा 4 और 1 5/2। अब देखिए लॉजिक क्या कहता है कि हम हमें जो नीचे की संख्याएं हर हैं इनका एलसीएम लेना चाहिए और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए दोनों। इससे क्या है, दो काम हो जाते हैं, एक तो एलसीएम लिया फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, इधर भी मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कई सारी कैलकुलेशन होगी। जब भी दो संख्याओं के बीच का रेशियो हो तो क्या करना चाहिए, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए बस। 3 3 जा 9 फर्स्ट, 8 2 जा 16 ये पहला निकला आपका। सेम वे इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 5 5 से 2 एंड 3 10। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आपका पहला रेशियो था 9 16 का। अब इसमें दोनों में 15 15 जोड़ा गया तो ये रेशियो क्या हो गया, 2:3 का। कब, जब पहले में भी 15 जोड़ा दूसरे में भी 15 जोड़ा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाइए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे करते हैं, ऊपर नीचे का फिर इधर भी एक क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बनाइए 9 3 जा 27 16 2 जा 32। तो 32 में से 27 गए तो कितने बचे, 5। सेम वे इधर 15 2 जा 30 15 3 जा 45, 45 में से 30 गए तो 50। यही दो डिफरेंस निकालते थे। फिर हम क्या करते थे, जो नीचे वाला क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें ऊपर वाले क्रॉस प्रोडक्ट से डिवाइड करते थे। तो 5 से ये कितनी बार गया, 3 बार। तो 1 यूनिट आपके कितने के इक्वल है, 3 के। 1 यूनिट कितने के इक्वल है, 3 के। तो वो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। अब आपके पास दो रेशियो थे, एक 9 और एक 16, एक 9 यूनिट था एक 16 यूनिट था। तो बड़ी संख्या कौन सी थी आपकी, जो 16 यूनिट की थी। तो बड़ी संख्या क्या थी आपकी, 16 यूनिट वाली। लिखने की जरूरत भी नहीं है, देखिए 1 यूनिट 3 के इक्वल है तो 16 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएंगे, 48 के। 16 यूनिट थी ना, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट 3 के बराबर है तो 48 आपका आंसर हो जाएगा, 48 ऑप्शन बी। तो संख्याओं से रिलेटेड जोड़ने घटाने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपने यहाँ पे देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं इस होप के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो आपके समझ में आता जा रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही है ये, बस बस संख्याओं की जगह पे लड़के और लड़कियां कर दिया है बस। तो आपको क्या है कि पहले बस लॉजिक ढूंढ लेना है इसमें। अब देखिए किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो है 6:5, ठीक है, 6:5 है।
अब यदि कक्षा में 8 लड़के अधिक आ जाते हैं, लड़के आ जाते हैं +8, ठीक है, और लड़कियां 2 चली जाती हैं, 2 लड़कियां कम हो जाती हैं तो -2 हो जाएंगे, तो रेशियो क्या हो जाता है आपका 11:7। अब कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको जो जो लास्ट वाली 7 यूनिट है ये निकालनी है। ये कब हो जाता है, ये 11:7 कब होता है, जब 8 लड़के आते हैं और 2 लड़कियां जाती हैं। तो बताइए दोनों संख्याओं में कुछ ऐड किया जा रहा है तो कौन सा मेथड लगाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, जब दोनों में ऐड किया जा रहा है तो आगे पीछे का 2 क्रॉस प्रोडक्ट बना लिया आपने, तो 7 6 जा 42, 11 5 जा 55, बड़ी संख्या है 55, में से 42 गए तो बचे 30। इधर हो गया 11 का मल्टीप्लाई -2 में हुआ तो -22, और 7 का 8 में हुआ तो 56, में से -22 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 78। तो हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, जो पीछे वाला डिफरेंस हमारा निकल के आता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो निकल के आता है उसमें ऊपर वाले डिफरेंस का भाग देते हैं, तो भाग दिया तो हमारी 1 यूनिट निकल के आ जाएगी। तो 1 यूनिट आपकी कितने की इक्वल है, 6 के। आपको क्या पूछा गया है कि अब कक्षा में लड़कियों की संख्या, अब कक्षा में यानी कि लड़कियां 2 जाने के बाद, तो 7 यूनिट थी, 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 7 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएंगी, 7 x 6 यानी कि 42 गर्ल्स। कितनी लड़कियां हैं टोटल, 42, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं सीजीएल सीएचएसएल के। अब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ऐसा सवाल जरूर देखने को मिलेगा जिसमें 4 संख्याएं दी होंगी और उसमें पूछा होगा कि इनमें से क्या जोड़ा या क्या घटाया जाए कि ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाए, यानी फर्स्ट 2 का रेशियो अगले 2 के रेशियो के इक्वल हो जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले अगर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दूं, शॉर्ट तरीका बता दूं, तो आप क्या आज उसको रटोगे, 2 दिन बाद उसको भूल जाओगे, लॉजिक समझिए। देखिए मान लीजिए 4 संख्याएं हैं ए बी सी और डी, अगर ये समानुपात में होते, अगर ये समानुपात में होते तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो जो निकलता, प्रोडक्ट निकलता, वो इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए था। मान लीजिए इसका मान 1 निकलता तो इसका मान भी 1 निकलना चाहिए था, तभी तो ये बराबर होता। अब अगर मान लीजिए कि ये डिफरेंट आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंट, ये 2 आ रहा है, तो मुझे अगर ये समानुपात में लेके आना है, अभी ये समानुपात में नहीं है, अगर ये 1 है ये 2 है, तो अगर मुझे इनको समानुपात में लेके आना है तो मुझे इसकी वैल्यू भी 2 करनी चाहिए या फिर इसकी वैल्यू 1 कर देनी चाहिए, यही तो है। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर ए में भी बी में भी। अब मान लीजिए सपोज करिए इधर की वैल्यू निकल के आती 4 और इधर की निकल के आती 5, तो हम क्या करते बराबर करने के लिए, इधर 5 का मल्टीप्लाई करते इधर 4 का मल्टीप्लाई करते, तो 4 संख्याओं में मल्टीप्लाई करना पड़ता। लॉजिक आपका कहता है कि अगर ये समानुपात में है तो ए अपॉन बी पहला रेशियो दूसरे के समानुपात में है तो सी अपॉन डी होना चाहिए, यही तो होता है समानुपात के, फर्स्ट का रेशियो दूसरे के रेशियो के बराबर, यानी कि ए जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, सी के, और बी किसके बराबर होनी चाहिए, डी के। तो मैं सिर्फ ए को सी के बराबर कर दूं तो मेरी संख्याएं अपने आप समानुपात में आ जाएंगी, आ जाएंगी कि नहीं, तो यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए 21, 38, 55 एंड 106, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है 17, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 51। अब अगर इन डिफरेंस को और हम रेशियो में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 17 और 51 को कितना लिख सकते हैं 1:3। 1 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में डिफरेंस निकाल दे, कितना होता है 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, लॉजिक तो हमारा कहता है कि मुझे इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना चाहिए और 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर इसके जोड़ से इसके जोड़ को घटा देना चाहिए, तो उससे हो जाएगी कैलकुलेशन लंबी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड यानी कि ए और सी जो लिया है ना यहाँ पे, वो इसी समझाने के लिए लिया था मैंने, तो मैं क्या करूंगा क्रॉस करूंगा फर्स्ट को थर्ड से और थर्ड को फर्स्ट से। तो 21 3 जा 63, -55 1 जा 55,
यहाँ डाउट कभी नहीं रखना है, घटाना हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही है। तो कितना निकल के आया आपका 8। क्या करते थे कि जो नीचे वाला प्रोडक्ट निकल के आता था उसमें ऊपर वाले प्रोडक्ट से हम भाग दे देते थे। तो ये आपकी वो संख्या निकल के आ गई जिसको हम इन संख्याओं में से घटाएंगे तो ये सारी संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, देखिए पहली संख्या हो जाएगी, अगर पहली संख्या में से 4 घटा दें तो 70, दूसरी 38 में से अगर 4 घटा दें तो 34, तीसरी 55 में से अगर 4 घटा दें तो 51, और 104, 6 में से अगर 4 घटा दें तो 102। पहली दो का रेशियो क्या निकला, 1:2, तीसरी चौथी का रेशियो क्या निकला, 1:2, क्योंकि 51 से कट जाएंगे और इधर ये 17 से कट गए। तो देखिए दोनों के रेशियो इक्वल निकल आए, यानी कि ये समानुपात में आ गए। अगर यहाँ घटाया जोड़ पूछा जाए तब भी यही लॉजिक लगाना है, और जोड़ना पूछा जाए तब भी यही लॉजिक लगाना है। जो संख्या यहाँ पे जो निकल के आएगी वही आपकी जोड़ने या घटाने वाली संख्या होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल में इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे है 5, 30, 22, 47, डिफरेंस इसका है 8, इसका डिफरेंस है 25। अब देखिए 8 और 25 में कोई और रेशियो में नहीं टूट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनका डिफरेंस पहले यहाँ लिख लेंगे दोनों के जो डिफरेंस थे। तो 25 में से 8 गए तो 70, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 5 जा 125 और 22 8 जा 176, तो 176 बड़े हैं में से 125 घटेंगे तो कितना आएगा 51। जो ये लास्ट वाला प्रोडक्ट आता है इसमें से हम ऊपर वाले प्रोडक्ट का भाग दे देते हैं तो कितना निकला 3। तो जो ये संख्या निकल के आती है अपनी भाग के बाद में वही संख्या आपकी घटाने या जोड़ने वाली संख्या होती है। तो यहाँ क्या पूछा है, क्या जोड़े, तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन ए। तो समानुपात से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। समानुपात से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसमें थोड़ा एडवांस करके, तो वो देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी कब, जब एक्स जोड़ा जाएगा। और जब एक्स जोड़ दिया जाएगा फिर ये क्या पूछेगा कि x+7, यानी कि पहले मैं एक्स की वैल्यू क्या संख्या जोड़नी है वो निकाल लूं, फिर x+7 और x-2 निकाल लूं और मध्यानुपात निकाल दूंगा। मध्यानुपात कैसे निकालते थे, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करो और उनका स्क्वायर रूट निकाल लो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक्स निकालते हैं, 2, 3, 30 एंड 35, डिफरेंस 1, यहाँ डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5 में से बन गए तो 4। क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, तो 31 जा 30 माइनस 5 2 जा 10, बड़ी संख्या में छोटी को कटाया तो क्या निकला 20। जो ये संख्या निकल के आती है इसमें हम किसका भाग दे देते हैं, ऊपर वाली संख्या का। तो x की वैल्यू आपकी क्या है 5, वो संख्या क्या है x 5। अब x+7 क्या हो जाएगा आपका, 5+7 यानी कि 12 हो जाएगा, और x-2 क्या हो जाएगा, 5-2 यानी कि 3। अब आपको मध्य अनुपात मीन रेशियो निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं मीन रेशियो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, आपको यहां लिखने की भी जरूरत नहीं है। अंडर रूट में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, 12 × 3, 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, ऑप्शन ए। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि समानुपात से रिलेटेड संख्याएं में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, तो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कि पैसे जो हैं वो बांटे जाते हैं 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 2 भागों में। आपको कुछ नहीं करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिंपल समझिए और सिंपल तरीके से सॉल्व करिए। देखिए समझिए यहाँ पे कि ए बी और सी में 1050 रुपए बांटे गए, 1050 रुपीज किस किस में बांटे गए, ए में, बी में और सी में, तीनों में जोड़ के कितने बांटे गए 1050, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, यानी कि ए का जो रेशियो है वो बी और सी के साथ कितना है, बी और सी दोनों के साथ जोड़ के 2/5।
यहाँ से आपको एक और चीज क्लियर हो जाती है कि बी प्लस सी जो है वो 5 यूनिट है और ए जो है वो 2 यूनिट है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट हो जाएगी? 2 प्लस 5 यानी कि 7 यूनिट। कितने यूनिट हो जाएगी? 7 यूनिट। आपकी 7 यूनिट कितने के इक्वल है? 1050 के। तो हमें किसका हिस्सा निकालना है यहाँ पे? ए का। तो ए का रेशियो कितना था? ए की वैल्यू कितनी थी? 2। तो पहले वही लिखिए, 2 मल्टीप्लाई टोटल लिखिए। टोटल कितने पैसे हैं? 1050। और नीचे लिख दीजिए टोटल यूनिट। टोटल यूनिट कितनी है? 7। यानी कि जब भी किसी का हिस्सा निकाल रहे हैं, मान लीजिए ए का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो ए लिखिए मल्टीप्लाई टोटल पैसे लिखिए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, टोटल यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, बी का निकालते तो यहाँ बी कर देते, सी का निकालते तो यहाँ सी कर देते। अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये कट गया 150 टाइम, और 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपीज। ए को कितने रुपए मिलेंगे? 300 रुपीज, ऑप्शन बी। समझ में आया होगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको बेसिक से करने जाएं कि एक्स माना, एक्स उसको मिला, इसको मिला, तो आपका ना बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, और आपको एग्जाम में क्या करना है? टाइम बचाना है और सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सही क्वेश्चन अटेम्प्ट का मतलब हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसको सही करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये बता रहा है कि ए बी सी और डी रेशियो क्या है? 3, 4, 9 एंड 10। तो ये बता रहा है सी का भाग बी से, सी का जो भाग है वो बी से कितने ज्यादा है? 2580। तो सी का भाग कितना है? 9 यूनिट है, और बी का भाग कितना है? 4 यूनिट। ठीक है, सी का भाग है 9 यूनिट, बी का भाग है 4 यूनिट, तो ज्यादा कितना हो गया सी का भाग? 5 यूनिट। और 5 यूनिट कितने के इक्वल है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने ज्यादा है? 2580, यानी 5 यूनिट ज्यादा है, और 5 यूनिट कितने के बराबर है? 2580 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 2580 में 5 से डिवाइड कर दो, 516 रुपीज। ठीक है, 1 यूनिट कितने के बराबर है? 516 के। आपसे पूछा है ए प्लस डी। अब ए कितनी यूनिट है? 3, और डी कितनी है? 13। तो ए प्लस डी कितने हो जाएंगे? 3 प्लस 10 यानी कि 13 यूनिट। और 1 यूनिट आपकी कितने के बराबर है? 516 के। तो 13 मल्टीप्लाई 516 सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए 13 6 78। तो आप देखिए, इकाई का अंक 8 आते ही किसी और ऑप्शन में इकाई का अंक 8 नहीं है सिवाय सी के, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगर सब में 8 पीछे दिया होता तो हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते। तो लॉजिक क्लियर हो गया होगा आपको। आपको कुछ नहीं करना है, उनकी यूनिट में डिफरेंस देखने हैं, या उनकी यूनिट को टोटल जोड़ के जो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है कि टोटल जो पैसे हैं, मान लीजिए पत्नी पुत्र और पुत्री में बांटा, तो पुत्री को मैं मान लेता हूँ ए, पत्नी को मान लेता हूँ बी, और पुत्र को मान लेता हूँ सी। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितना बांटा गया है यहाँ पे? 3,30,000 रुपीज। ठीक है, यही तो बांटे गए। अब ये बता रहा है कि पुत्री का 1/2, तो पुत्री का 1/2 a/2 बराबर है पत्नी के 1/4 के b/4, बराबर है पुत्र के 1/5 के यानी कि c के 1/5 के। ठीक है, क्लियर। इससे रिलेटेड हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके थे जहां a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c दिया था। तो हमने वहां क्या डिस्कस किया था कि जब भी a इज टू b इज टू c दिया हो, इक्वल में दी हो कोई संख्या है, तो हम क्या करते हैं? उनके साथ जो भी संख्या है अंकगणित वाली उसको उल्टा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी? 2:4:5। कैसे निकालते हैं? बराबर में मान लीजिए k था, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2k। b बराबर क्या हो जाएगा? 4k। एंड c बराबर क्या हो जाएगा? 5k। जब इनमें रेशियो निकालेंगे तो k से k कट जाएगी, तो क्या निकलेगा? 2, 4 एंड 5। ये a b और c में रेशियो है एक्चुअल, 2, 4 एंड 5। तो आपके पास टोटल ए प्लस बी प्लस सी यानी टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी? टोटल यूनिट हो जाएंगी 2, 4, 6 एंड 5, 11 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट हो जाएंगी? 11।
और 11 यूनिट कितने के बराबर है, टोटल पैसा कितना है 3,30,000 के। आपको किसका भाग पूछा गया है, पुत्री का। पुत्री कौन है, ए। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, टू। तो जब ए का भाग निकालेंगे तो कैसे निकाला था हमने, पहले ए की वैल्यू लिखी है टू, टोटल पैसे लिखी है, टोटल पैसे कितने हैं 3,30,000 अपॉन टोटल यूनिट से भाग दे दीजिए, टोटल यूनिट कितनी है 11। 11 का जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 30,000 टाइम, और 30,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 60,000 रुपीज। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि आज आपको सिर्फ सिखाना नहीं है, आपको इसमें मास्टर भी बनाना है, आप इसमें पारंगत हो जाएंगे अगर अच्छे से ये वीडियो देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोगों की आदत होती है कि मैथ की वीडियो या स्टडी की कोई भी वीडियो है ना, उसको देखते टाइम 10 10 सेकंड स्किप करके देखते हैं। स्किप नहीं करना है क्योंकि मैं ज्यादा बात करता ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाऊं जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें, और जो टाइम आपका बच रहा है उसको आप प्रैक्टिस में निकालें। तो वीडियो आपके फायदे के लिए, स्किप करके मत देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझिए इस सवाल को। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़िए। ए बी और सी ने मिलकर एक काम को 30, 50 एंड 70 डेज में पूरा किया और प्रत्येक दिन के वेतन का अनुपात इतना है। तो ए की कुल आय, ए को इतने पैसे मिले 144, तो बी की कुल आय ज्ञात कीजिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। समझिए, ए बी और सी लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इनके कितने डेज में कंप्लीट किया, और एक दिन की सैलरी यहाँ नीचे लिख लेते। कितने डेज में कंप्लीट किया ए ने, 30 डेज में, और एक दिन में कितने यूनिट पैसे मिले उसको, 4। ये 4 रुपीज नहीं है, यूनिट है, क्योंकि रेशियो में है। तो बी ने 50 दिन में कंप्लीट किया, उसको कितने यूनिट पैसे मिले एक दिन के, 3। और सी ने 70 डेज में पूरा किया, तो इसको कितने यूनिट पैसे मिले एक दिन के, 2। अब देखिए अगर मैं कोई काम 30 दिन में करता हूँ, और मान लीजिए ये यूनिट की बजाय मैं 4 रुपए ही मान लेता हूँ, और मुझे डेली 4 रुपए मिलते, तो मुझे टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए, 120। बी को कितने मिलने चाहिए, 150 यूनिट, एंड सी को कितने मिलने चाहिए, 140। उसने दिया है कि जो ए को टोटल पैसा मिला है, यानी कि एक 120 जो यूनिट है ए की, 120 यूनिट, वो बराबर है कितने के, 144 के। ए को 144 रुपए मिले हैं, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 144 अपॉन 120 के, एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी। बी का भाग हमें निकालना है कि बी की आय बताइए, बी की इनकम कितनी है, 150 यूनिट, 150 यूनिट है, तो एक यूनिट कितने के बराबर थी, 144 अपॉन 120 के, 0 से 0, 12 से 144 12 टाइम, और 12 और 15 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, तो 180 रुपीज बी की इनकम है, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था, चलिए समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हर एक क्वेश्चन में कहीं भी एक्स वाई तो हम मान ही नहीं रहे, जरूरत ही नहीं पड़ रही। देखिए यहां पे दिया हुआ है, समझिए कि टोटल पैसे थे किसी के पास 40, 70 रुपीज। इसको उसने 3 भागों में बांटा, ए बी और सी को, और प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर दिए। अब सभी 3 लोगों को उसने 50 50 कम दिए, तो कितने पैसे कम दिए उसने लोगों को, 3 गुना 50 यानी 150 रुपए कम दिए। कितने रुपए कम बांटे उसने, 150, यानी तीनों को 50 50 कम दिए हैं, तो उसने कितने रुपए बांटे, पहले वो निकाल लिए, उसने रुपए बांटे हैं 1320। और किस रेशियो में बांटे हैं उसने ए बी और सी को, 1:3:2, ए बी एंड सी तीनों का रेशियो क्या है, 1:3:2। तो टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी, 6, और 6 यूनिट कितने के बराबर है, टोटल पैसे कितने हैं, 1320। तो आप या तो यहां से एक यूनिट के पैसे निकाल लो और सी की सैलरी यानी 2 यूनिट में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो हम तरीका लगा रहे हैं कि सी का हिस्सा हमें निकालना है, तो सी का हिस्सा कितना है, 2, ऊपर टोटल पैसे कितने हैं, 1320, और टोटल यूनिट कितनी है, 6, 2 से ये 3 टाइम, और 3 से ये 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 440 टाइम, ऑप्शन सी। आप किसी भी तरीके से इसको कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपको आएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड, मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड। अगर आप इनको मिक्सचर और एलिगेशन वाले तरीके से करेंगे तो कहीं कहीं ये लंबे हो जाएंगे, तो वहां पे रेशियो वाले तरीके से करना ज्यादा इजी रहेगा। कहीं कहीं रेशियो वाले तरीके से ये ज्यादा लंबे खिंच जाएंगे, तो मिक्सर एंड एलिगेशन वाले तरीके से करना ज्यादा इजी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो टोटल आपका जो मिक्सचर है वो कितना है, टोटल है 60 लीटर। कितना है? 60 लीटर। पानी और दूध, दूध को मैं मान लेता हूँ मिल्क और पानी को मान लेता हूँ वाटर, 3:1 है। कितना है? 3:1, यानी कि टोटल कितने यूनिट है? 4। 4 यूनिट कितने के बराबर है? 60 लीटर के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई? 15 लीटर के। ठीक है, तो मिल्क कितना है यहाँ पे? 3:15। और वाटर कितना है यहाँ पे? 1:15, यानी 45 लीटर ये है और 15 लीटर ये है। 45 लीटर मिल्क है और 15 लीटर पानी है। अब ये पूछ रहा है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए उसने मिल्क में तो कोई चेंज नहीं किया, मिल्क में तो उसने कोई भी चेंज नहीं किया, मिल्क कितना रहने दिया? 45। और रेशियो क्या कर दिया उसने? 2:1, यानी कि जो मिल्क है वो अब कितने यूनिट हो गया? 2। अब 2 यूनिट कितने के बराबर है? 45 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 1 यूनिट बराबर हो जाएगी, हमें 1 यूनिट तो निकालनी है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 22.5 के। तो 15 लीटर पानी से अब कितना हो गया ये आपका पानी? 22 लीटर, 22.5 लीटर में से अगर 15 लीटर घटाएं तो आपका पानी कितना हो गया? अब कितना बढ़ाया हमने? 7.5 लीटर। ये आपका आंसर हो गया 7.5 लीटर, ऑप्शन ए। आप इसको सॉल्व कर सकते थे दूसरे तरीके से भी, जो हम पीछे यूज कर चुके हैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से इसको कैसे सॉल्व करते वो भी देख लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन बता रहा था कि टोटल 60 लीटर है, पहले रेशियो मिल्क एंड वाटर में है, मिल्क एंड वाटर में 3:1। अब रेशियो उसने क्या कर दिया? 2:1, कुछ पानी इसमें मिलाया। अब पानी कितना मिलाया है ये आपको देखना है। तो देखिए मिल्क तो आपने चेंज किया नहीं, लेकिन मिल्क का रेशियो फिर भी चेंज है, यहाँ पे 3:2 हो रखा है। तो पहले इनको इक्वल करो, इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे एंड 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे दोनों संख्याओं में, तो क्या हो जाएगा? मिल्क एंड वाटर आपका 6:2, और नीचे क्या हो जाएगा? 6:3। तो मिल्क बराबर कर लिया। अब 2 यूनिट से वाटर कितना बढ़ा? 1 यूनिट। कितना बढ़ा? 1 यूनिट। अब देखिए यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल आपके पास मिल्क कितना है? अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपके पास टोटल कितना मिक्सचर था? 6, मिल्क था, और वाटर कितना था? 2। टोटल था आपके पास 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर थी कितने के? 60 लीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाती? 60 लीटर अपॉन 8, यानी कि 7.5 लीटर के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया था? 1 यूनिट, यानी कि 7.5 लीटर आपका आंसर हो जाता। तो आपको जिस तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा हो आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है 5:2, और यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? आप बैलेंसिंग ऑफ रेशियो वाले मेथड से आप सॉल्व करके देखिए, और आपको इससे ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ आपको वो तरीका समझ में आ गया है। अब इसको एग्जाम में कैसे जल्दी करके आना है वो समझ लीजिए। देखिए 5:2 है, समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये है मिल्क और ये है वाटर। ठीक है, दोनों कितने यूनिट है? 7। 7 यूनिट कितने के इक्वल है? 35 के। तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगी? 5 लीटर के। ठीक है, 1 यूनिट 5 लीटर के हो जाएगी। तो मिल्क कितना हो जाएगा आपका? मिल्क हो जाएगा 5:5, यानी 25 लीटर। ठीक है, 25 लीटर। और वाटर कितना हो जाएगा आपका? 2 यूनिट है, तो 2:5, यानी कि 10 लीटर। अब इसमें कितना दूध बढ़ा दिया उसने? 5 लीटर। 25 लीटर पहले था, 5 लीटर उसने और बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा मिल्क आपका? 5 और जोड़ देंगे इसमें, 30 हो जाएगा। और वाटर कितना है आपका? 10 लीटर। मिल्क हो गया आपका 30 और वाटर था आपका 10, यानी कि रेशियो क्या बन गया इसका? 3:1।
ऑप्शन बी। तो आपको ये लिखने की कहीं जरूरत भी नहीं पड़ती, आप सीधा सीधा यहीं से सॉल्व करिए कि भाई इसमें 5 to 7 7 यूनिट है, यानी कि इसमें डिवाइड किया 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 5 यानी 25 लीटर यहाँ पे दूध है और 10 लीटर यहाँ पे पानी है। अब दूध में कितना जोड़ दिया उसने, 5, तो दूध कितना हो गया अब 30 लीटर। 30 लीटर और 10 लीटर का रेशियो क्या बनेगा, 3:1। तो आपको पेन कॉपी उठाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो ये मैं पहले ही पीछे कह चुका था कि कुछ क्वेश्चंस को अगर यहाँ बैलेंसिंग ऑफ रेशियो लगा दे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा लंबा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से ऐसे क्वेश्चंस भी करने को आएंगे जिसमें आपको दो मिक्सचर दिए रहेंगे। यहाँ पे जैसे दो मिक्सचर हैं ए एंड बी, दोनों में सेम चीजें हैं, इसमें गोल्ड है और कॉपर है। गोल्ड को मैं जी लिख रहा हूँ, कॉपर को सी लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको ए यू और सी यू लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। पहले में रेशियो क्या है, गोल्ड है 7 यूनिट और कॉपर है 2 यूनिट। दूसरे में क्या है, गोल्ड है 7 यूनिट और कॉपर है 11 यूनिट। अब बता रहा है कि इन दो मिश्र धातुओं की समान मात्रा को नए मिश्र धातु सी बनाने में, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या नया मिश्र धातु बन के आता है आपका, सी। यही कह रहा है वो। और सी को बनाने के लिए हमें ए और बी की बराबर मात्रा लेनी है। कितनी मात्रा लेनी है, बराबर। अब देखिए बराबर के लिए अगर हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करें तो बहुत लंबा खींचेगा, रेशियो से निपटाते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से निपटा देते हैं। अगर बराबर लेंगे तो यानी कि ये रेशियो और ये रेशियो दोनों बराबर होंगे, ये रेशियो इसके बराबर होना चाहिए। ऊपर वाले रेशियो में कितनी यूनिट है, 9, और नीचे वाले रेशियो में कितनी यूनिट है, 18। तो बराबर ही कहा है भाई। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 2 का मल्टीप्लाई है ये 7 में भी होगा और 2 में भी होगा, तो नया रेशियो आपका क्या बन के आएगा, गोल्ड और कॉपर का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, ये तो हो गया आपके ए में। और बी में कितना हो गया, बी में तो भाई 18 पहले से था ही, इसमें तो किसी से मल्टीप्लाई हमने किया नहीं, 7 और 11। अब आपका बन गया नया मिश्र धातु सी। तो नए मिश्र धातु सी में क्या रेशियो में बनेंगे, ये देखिए। अब गोल्ड 14 है और दूसरे में 7 है, दोनों को मिलाया तो कितने यूनिट हो गए, 21 यूनिट। और कॉपर यहाँ 4 है, यहाँ पे 11 है, तो टोटल कितने यूनिट हो गए, 15 यूनिट। तो 21:15, लेकिन अभी इनमें 3 से डिवाइड और चला जाएगा तो दीजिए, तो 7:5 ये रेशियो हो जाएगा गोल्ड और कॉपर का नई मिश्र धातु, नए मिक्सचर सी में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी। अगर यहां तक आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक समझ में आ गया है तो आपने ये समझ लीजिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में महारत हासिल कर ली, क्योंकि इसके बाद एक दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी सब आपने सॉल्व कर लिए हैं या समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। 200 ग्राम मिश्र धातु में, 200 ग्राम मिक्सचर में कॉपर और जिंक का रेशियो 2:3 है, इसमें कितना कॉपर और मिलाया जाए। सिर्फ कॉपर मिला रहा है, ठीक है, जिंक नहीं मिला रहा है, यानी जिंक बराबर कर लेंगे, अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो हम कॉपर निकाल सकते हैं। तो नए मिश्र धातु में कॉपर जिंक का रेशियो क्या आ जाता है, 3:2। हम इसको दोनों तरीके से करते हैं, एक मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी करते हैं और एक इसको बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से भी करते हैं। तो इसके बाद हम ना एक ही तरीके से करेंगे, जो तरीका सूटेबल लगेगा। समझिए 2:3 था, ठीक है, 2:3 किसका रेशियो था, कॉपर का और जिंक का। कॉपर को मैं सी लिख लेता हूँ, जिंक को जेड लिख लेता हूँ, ठीक है। 2:3 से ये कितना हो जाता है जब इसमें कॉपर चेंज करते हैं, सिर्फ क्या चेंज करते हैं, कॉपर, तो ये कितना रेशियो हो जाता है, 3:2, यानी जिंक को हमने कोई चेंज नहीं किया, जब चेंज नहीं किया फिर भी ये कितने यूनिट हो गए, नीचे 2, ऊपर कितने थे, 3, तो ये बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, नीचे कितने का कर देंगे, 3 का। अब आपका जो नया रेशियो है कॉपर और जिंक का क्या निकलेगा, ऊपर वाला निकलेगा 4 और पीछे का निकलेगा 6, नीचे का हो जाएगा 9 और 6, जिंक बराबर कर दिए। तो देखिए कितने यूनिट की बढ़ोतरी हुई कॉपर में, 5 यूनिट की, कितने यूनिट की, 5 यूनिट की। अब आप 1 यूनिट निकालिए, तो यूनिट कितनी है आपके पास, देखिए टोटल था आपके पास 4 यूनिट कॉपर, 4 यूनिट कॉपर और 6 यूनिट जिंक, तो टोटल 10 यूनिट थी। और 10 यूनिट कितने के बराबर थी, 200 ग्राम के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 200/10, यानी कि 20 ग्राम के, ठीक है। 1 यूनिट कितने के बराबर थी, 20 ग्राम के, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी, 100 ग्राम के। तो आपका सीधा आंसर निकला 100 ग्राम।
मिक्सचर एंड एलिगेशन से अगर इसको करते तो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले तरीके से तो कैसे करते हैं? देखिए 2:3 रेशियो था, ठीक है, कॉपर का और जिंक का 2:3, टोटल कितने यूनिट थे? 5। कितने के बराबर है 5 यूनिट? 200 ग्राम के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाती? 200/5, यानी कि 40 ग्राम के, ठीक है, यानी कि 40 ग्राम के बराबर होती। तो कॉपर कितना था इसमें? कॉपर था 2×40 यानी 80 ग्राम, और जिंक कितना था? 3×40 यानी कि 120 ग्राम। अब देखिए उसने सिर्फ कॉपर ऐड किया और रेशियो कितना हो गया? 3:2, 3:2। तो जिंक का जो वैल्यू है वो 2 यूनिट है, और 2 यूनिट कितने के इक्वल है? 120 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाती? 1 यूनिट बराबर हो जाती 60 ग्राम के। कितने के बराबर हो जाती? 60 ग्राम के। अब देखिए पीछे वाले में कॉपर का जो यूनिट है वो कितना हो जाता? कॉपर का यूनिट हो जाता था 3, और 60 ग्राम 1 यूनिट के बराबर है, तो कितने हो जाते कॉपर का वेट? 180 ग्राम। अब देखिए कॉपर के वेट में चेंज कितना आया? पहले कॉपर का वेट जो था वो 80 ग्राम था, अब हो गया जोड़ने के बाद 180 ग्राम। तो कितना जोड़ा है 80 से 180 ग्राम करने के लिए? तो आपने जोड़ा है 180 से 8 सॉरी 80 से 180 ग्राम करने के लिए 100 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाता। तो देखिए दोनों तरीके समझाने का यहाँ मेरा लॉजिक यही है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से तरीके से आपको कम समय लगेगा, कहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि अब तक जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ और भी डिस्कस करिए, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो औरों को समझाइए, जिससे आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको आएंगे सिक्कों से रिलेटेड या फिर नोटों से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं? बड़ा सिंपल लॉजिक होता है इनका। पढ़िए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ये सिक्कों की गिनती का रेशियो है 5:6:8। यदि इस थैली में कुल 210 रुपए हैं, टोटल पैसे कितने हैं? 210। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। आपको 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की अलग अलग संख्याएं बतानी है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉइन्स, कितने सिक्के हैं, ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं उनकी कितनी वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे कॉइन्स हैं 5:6:8 के रेशियो में, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है 1 रुपए का सिक्का, ये है 50 पैसे का तो 0.50, और ये है 25 पैसे का तो 0.25। मान लीजिए ये 5 यूनिट नहीं, 5 सिक्के ही हैं। अगर 5 सिक्के एक एक के होते तो कितनी वैल्यू होती इनकी? 5 रुपीज, यानी कि 5 यूनिट। 6 सिक्के हैं, 6 यूनिट सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो कितने यूनिट हो जाएंगे? 3 यूनिट। 8 यूनिट सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 यूनिट, ठीक है। अब ये हो गए आपके टोटल पैसे, टोटल मनी हो गई आपकी। अब ये टोटल मनी आपकी है कितनी? 210। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 यूनिट इक्वल है 210 रुपए के। तो 1 यूनिट कितने की इक्वल हो जाएगी? 210 में 10 का भाग दे देंगे, 21 रुपीज के, ठीक है। कितने की इक्वल हो जाएगी? 21 रुपीज के। आपसे पूछा क्या गया था? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। आपसे क्या पूछा गया था? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अगर आपसे ये पूछा जाता कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की वैल्यू, पैसे कितने थे, तो आप इनमें मल्टीप्लाई करते, मनी में। अगर सिक्कों की संख्या पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है, तो देखिए आप सीधा सिक्कों की संख्या में मल्टीप्लाई करिए। कितने से? 21 से। 1 यूनिट 21 है, तो 5 यूनिट कितने की बराबर हो जाएगी? 21×5=105। 50 पैसे के सिक्के 6 यूनिट है, 1 यूनिट 21 की है, तो कितने हो जाएंगे? 126 सिक्के। 8 यूनिट है 25 पैसे के सिक्के की, तो 21 यूनिट कितने की हो जाएगी? 168 की। ऑप्शन में है कहीं? पहला ही ऑप्शन राइट। ये सिक्कों से रिलेटेड हो, नोटों से रिलेटेड हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इस तरीके से उसको सॉल्व कर देना है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसके ऊपर, उसके बाद आपके इस टाइप के क्वेश्चन से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 8,000 रुपए हैं, ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 के नोट प्राप्त होते हैं रेस्पेक्टिवली। कितने कितने रुपए के नोट मिल रहे हैं? देखिए ए को मिलेंगे, ये शर्त है इसकी, ए को मिलेंगे 500 रुपीज नोट,
ठीक है, बी को मिलेंगे 200 रुपीज वाले, ठीक है, और सी को मिलेंगे 100 रुपीज वाले, ये उसकी शर्त है। और फिर ये जो पैसे जो नोट हैं, इन सभी नोटों के बीच का रेशियो पूछ रहा है वो, कि जिस कितने कितने नोट मिले और उन नोटों की संख्याओं में क्या रेशियो होगा। चलो बड़ा यूजी है, पिछले तरीके से ही करते हैं। यहाँ पे देखिए, उनको जो राशि, जो टोटल पैसे मिले हैं, जो टोटल मनी है, मनी तो दी है भाई, मनी किस रेशियो में दी है, ए बी और सी को, तो ए बी और सी 15 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, टोटल कितने हो जाएंगे ये 15 एंड 2 17 एंड 20 यूनिट। 20 यूनिट हैं कितने के बराबर, 8,000 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 8,000 में 20 का भाग दे देंगे, 400 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगी, 400 के बराबर। अब सबको मिले पैसे निकाल लीजिए, तो ए को कितने पैसे मिले हैं, देखिए ए को मिले हैं 15 यूनिट, ए को 15 यूनिट ही तो मिले हैं, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 400 के, तो ए को कितने रुपए मिले, 6,000। बी को कितने मिले, 2 यूनिट 400 से 800 रुपीज, और सी को कितने मिले, 3 यूनिट 3 यूनिट 400 से 1,200 रुपीज। अब देखिए, इसने पहले ही शर्त बताई थी कि ए को 500 रुपए के नोट मिले हैं, कितने के नोट मिले हैं, 500 के, तो ए 6,000 रुपए में 500 रुपए के कितने नोट होंगे, भाग दे के निकलेंगे 12 नोट, ठीक है। 500 रुपीज के नोट कितने हैं, 12। बी को 200 रुपीज के नोट मिले, तो 200 का डिवाइड करेंगे बी के पैसों में, तो 4 नोट मिले, 4 नोट मिले हैं। सी को 100 100 रुपए के नोट मिले हैं, 100 100 के, तो कितने नोट मिले हैं, 100 से 1200 कितने टाइम गई, 12 टाइम, ठीक है। 500 के नोट 12 हैं, 200 के नोट 4 हैं, और 100 के नोट 12 हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 12:4:12, सब में 4 से एक बार और भाग जा रहा है, तो 3:1:3, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नोटों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, या कैसे उनको सॉल्व करते हैं, उनमें लॉजिक क्या रहता है, कैसे हमें खुले माइंड से उनको पढ़ना है, समझना है, कैसे करना है, ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जिनमें से कि आपसे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे टोटल आय पूछी जाएगी, या फिर उसमें खर्चा दिया होगा, या फिर सेविंग वगैरह निकालनी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कि आप एक चीज तो समझते हो ना, कि भाई किसी भी बंदे की इनकम कितनी होती है, इनकम होती है तो वो क्या करता है, उसमें कुछ पैसा खर्च करता है, खर्च करता है ई, एक्सपेंडिचर, ई पैसे खर्च करता है, और सेविंग, फिर जब खर्च कर दिए तो क्या बचेगा उसके पास, सेविंग, सेविंग कितनी होती है, एस। तो इनकम टोटल क्या होती है, खर्चा और बचत दोनों को जोड़ना, यही आपकी इनकम होती है। अब आपको बचत निकालनी है तो क्या करोगे, आप इनकम से खर्चा घटा दोगे, खर्चा निकालना है तो आप कैसे करोगे, इनकम से बचत घटा दोगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, समझने वाली चीज है। चलिए यहाँ पे समझिए, अब ये बता रहा है कि एक्स वाई और जेड तीन बंदे हैं, ठीक है, उनकी ये खर्चे का अनुपात है, खर्चे के, मैं सबसे पहले आप इनकम लिखिए ऊपर, खर्चा लिखिए नीचे, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिखिए उसके नीचे, ठीक है। इनकम उसने दी नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर कितना है, 16 है, इसका 12 है, और इसका 9 है, रेशियो रेशियो। अब वो बता रहा है कि उनकी बचत उनकी आय का 20%, 25% और 40% है। आप पहली बस एक में समझ लीजिए कि जो एक्स की सेविंग है, एक्स की जो सेविंग है वो एक्स की इनकम की 20% है, एक्स जितना कमाता है उसका 20% सेव करता है, तो खर्चा कितना करता है, खर्चा करता है जब 20% सेव करेगा तो 80%, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 80% जब वो खर्च करता है तो 80% किसके इक्वल आ रहा है आपका, 16 के, तो 1% आपका कितने के इक्वल आएगा, 16/80 के, ठीक है। और 100% आपका कितने के इक्वल आएगा, ये 1% और 100% का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 16/80 × 100, 5 टाइम, और 5 से 100 20 टाइम,
ये सिर्फ मैंने यहाँ पे समझा के लिखा है, अब बाकी को हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे। तो इनकम कितनी होगी इसकी, 20। अब देखिए इनकम 20 हो गई। अब दूसरा है वाई, वाई क्या कर रहा है, 12 यूनिट खर्च कर रहा है। सेविंग कितनी कर रहा है, 25%। तो 25% वो सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 75%। अब बताइए वाई की इनकम का 75% इतना है, तो 100% कितना हो जाएगा, सेम इसी तरीके से निकालेंगे तो 16। जेड जो है वो 40% खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है, 60%। 60% किसी संख्या का, किसी इनकम का 9 है, तो वो संख्या या इनकम टोटल कितनी होगी, 100% कितनी होगी, 50। ठीक है, टोटल इनकम आपको दे रखी थी, तो कितने यूनिट इनकम हो गई आपकी, 20, 16, 36 एंड 15, 51 यूनिट। और 51 यूनिट कितने के इक्वल है, 3060 के। तो एक यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगी, 3060 अपॉन 51, 60 टाइम इतने के। आपसे पूछा क्या था, वाई का वेतन ज्ञात कीजिए, किसका वेतन निकालना था, वाई का। तो वाई का वेतन कितना है, 16 यूनिट। वाई की इनकम कितनी है, 16 यूनिट। तो एक यूनिट 60 के बराबर थी, तो 16 यूनिट कितने के बराबर हो गई, 960 के। तो 960 रुपीज आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। यहां मैं आपका एक चीज और क्लियर करता हूँ, आपको एक शॉर्ट ट्रिक और समझाता हूँ। पहले देखिए व्युत्क्रमानुपात में कोई संख्या दी है कभी, ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि उसको डायरेक्ट रेशियो में कैसे लिखते हैं। एक चीज और आपको यहां मैं समझाता हूँ, चलिए उसके लिए नया पेज लेते हैं, नए पेज पे समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया जाए 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, और आपको ये चीज रेशियो में बदलनी है, तो इसका जो तरीका हमने किया था बराबर के मान के, तो निकल के तो क्या आता है, 1/2, 1/3 एंड 1/4। हमें ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको रेशियो में कैसे बनाएंगे। फिर हम क्या करते थे, 2 को छुपाते थे, 3 × 4 करते थे। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को छुपा लेंगे शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए। अगर मुझे a इज टू b इज टू c निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, a इज टू b इज टू c निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को छुपाऊंगा पहले a के साथ वाले को, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 4 = 12। b को निकालूंगा तो 3 को छुपाऊंगा, 4 × 2 कर दूंगा 8, और c का निकालूंगा तो 4 को छुपाऊंगा, 3 × 2 कर दूंगा यानी कि 6। सब में 2 2 से भाग और जा रहा है एक बार, तो 6, 4 एंड 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर व्युत्क्रमानुपात निकालना है, तो व्युत्क्रमानुपात तो आप देख ही रहे हो इजीली कैसे निकल सकता है। व्युत्क्रमानुपात भी निकालने के लिए एक बढ़िया तरीका यही रहता है, सपोज करिए एक्स वाई एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड दिया हुआ है, इनकी वैल्यू दी है 3 रेशियो 4 रेशियो 5। अब आपसे इसका व्युत्क्रम अनुपात पूछा जाए, रेसिप्रोकल पूछा जाए, ठीक है, तो आप इसको फिर से अपॉन में मत करो, अपॉन में चेंज मत करो, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए आपको इसका व्युत्क्रम अनुपात लिखना था, तो आप क्या करते, इसको पहले 1/3, 1/4, 1/5 करते, सेम इसी कंडीशन में लेके आते, आप मत लेके आओ, सीधा डायरेक्ट यहीं पे कर दो, ये वाला स्टेप काट दो। तो कैसे काटेंगे, एक्स के नीचे क्या लिखना है, तो 3 को छोड़िए, 4 × 5 यानी कि 20 हो गया। वाई के नीचे क्या होगा, 4 को छोड़िए, 3 × 5 15 हो गया। जेड के नीचे 5 को छोड़िए, 3 × 4 = 12 हो गया। ठीक है, तो ये रेशियो निकल आए, व्युत्क्रम अनुपात एक लाइन में आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर यहाँ चार संख्याएं भी दे दी जाए, 4c = 5d भी दे दिया जाए, तो डी भी यहाँ पे लिखिए, फिर तीन तीन संख्याओं का करते चलिए, जिस संख्या के नीचे जो संख्या आ रही है, जिस संख्या के साथ जो साथ आ रही है उसको छोड़िए, बाकी सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करना था, ए बी सी के बीच में पहले ये अनुपात था, इस अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से किस अनुपात में कर दिया, इस अनुपात में, तो बी को 200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस 1/रेशियो यानी कि फ्रैक्शन में जो रेशियो है, इसको नॉर्मल रेशियो में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, 4 को छोड़िए पहली वाली संख्या में, 4 को छोड़िए, 6 × 3 = 18 रेशियो, 6 को छोड़िए अब दूसरे नंबर पे, 4 × 3 = 12 रेशियो, अब 3 को छोड़िए, 6 × 4 = 24। सभी में अभी 6 से भाग जा रहा है, 6 से सभी में डिवाइड हो रहा है, तो देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 4, सॉरी 2, और ये हो गया 4।
ये किसके रेशियो निकल आए, ए बी एंड सी के। इस रेशियो में डिवाइड करना था ए बी और सी को, लेकिन गलती से किस रेशियो में डिवाइड कर दिया उसने, गलती से कर दिया 7:8:12। ठीक है, अब बताइए कि पहले इस रेशियो में डिवाइड करना था, कर इस रेशियो में डिवाइड दिया, पैसे तो सेम ही थे, जितने पैसे वो पहले बांटना चाह रहा था उसने उतने ही तो पैसे डिवाइड करे, तो यानी कि जो रेशियो है, जो यूनिट है, वो बराबर होनी चाहिए। बराबर यूनिट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कितने यूनिट ऊपर हैं, 4, 2, 6 एंड 3, 9 यूनिट, ये हैं 9 यूनिट, और ये हैं 12 और 8 20 एंड 7 27। जब पैसे बराबर हैं तो यूनिट बराबर करो भाई, नीचे 27 है तो ऊपर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और इस 3 से इन तीनों संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका नया रेशियो क्या निकल के आएगा, नया रेशियो हो जाएगा ए बी और सी के बीच में 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। नीचे क्या था, 7 8 एंड 12। अब आपको यहां समझ में आया, देखिए कि सी को पहले भी 12 यूनिट पैसे मिल रहे थे, अब भी 12 यूनिट पैसे मिल रहे हैं, तो सी को पैसों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब जो बी है, बी को कितनी यूनिट बढ़ के मिली, 2 यूनिट, और कहां से बढ़ के मिली है ये 2 यूनिट, ए से 2 यूनिट कम कर दी, तो हमें पहले इसने बता रखा है कि बी को कितने पैसे मिलते हैं, 200 ज्यादा, तो कितनी यूनिट है, 2 यूनिट बढ़ के मिली, 2 यूनिट कितने के बराबर हैं, 200 के, तो 1 यूनिट आपकी कितने के बराबर हो जाएगी, 100, कितने के बराबर हो जाएगी, 100 रुपये। आपसे पूछा गया है कि ए बी और सी तीनों को कितने पैसे मिलते हैं, तो टोटल पैसे आपके पास कितने यूनिट है, टोटल पैसे तो आपके पास यहाँ पे हम निकाल चुके हैं भाई, बराबर किया 27 यूनिट, तो 27 यूनिट आपके पास टोटल पैसे हैं। ठीक है, 1 यूनिट 100 के बराबर है, तो कितने पैसे हो गए आपके पास, 2700, ये आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन के एक दो स्टेप आप अपने आप ही कम हो जाएंगे, जिससे कि आपको कम टाइम में भी आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कि ए बी सी की आय का अनुपात, इनकम का रेशियो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, ए की इनकम भी दी हुई है और उसकी सेविंग भी दी हुई है, और आपसे बी की सेविंग पूछ रहा है। देखिए ए बी एंड सी तीन बंदे हैं, इनकी इनकम का रेशियो है 3:7:4, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3:5। सेविंग कैसे निकलती है, इनकम में से खर्चा घटा दो तो सेविंग निकलती है। अब ये सेविंग ए की तो इसने बता रखी है, ए की सेविंग कितनी है, 300 रुपीज, और बी की सेविंग वो पूछ रहा है। आप लॉजिक से समझिए कि ये जो 3 यूनिट इनकम थी ए की, वो 3 यूनिट ए की इनकम किसके बराबर थी, 3 यूनिट 2400 की। ठीक है, ए को 2400 इनकम हो रही है, तो 2400 3 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 2400 में 3 का भाग देंगे तो 800। ये आपको बार ऐसे भाग देने की जरूरत नहीं है, इतना तो यहां से समझ में आ रहा है ना, 3 8 8 24, तो 800 रुपीज 1 यूनिट इतने के बराबर है। तो बी की इनकम कितनी हो गई भाई, बी की इनकम मैं निकाल दूंगा और उसका एक्सपेंडिचर निकाल दूंगा, तो सेविंग भी निकल आएगी, 800 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी हो जाएगी, ये 5600 रुपीज, ये इसकी इनकम है। अब इसका खर्चा निकालना है मुझे, क्या करना है, खर्चा निकालना है। तो देखिए हम ए वाले क्वेश्चन से इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, कि ए की जो इनकम थी 3 जो थी, इसकी जगह मैं सीधा लिखता हूँ 2400, इसमें से मैंने इसका खर्चा घटाया, खर्चे के साथ मान लीजिए एक कॉफिशियंट था के, ठीक है, 4K, कितने बचाता है ये, 300। अगर 300 को मैं इधर ले गया हूँ, तो 4K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 माइनस में आएंगे तो 2100, 2400 में से 300 घट जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2100/4, यानी कि 525। 1 यूनिट कितने के बराबर है, खर्चे की, 525 के। बी कितना खर्चा कर रहा है, बी पैसे तो कमा रहा है 5600, और खर्चा कर रहा है 3 यूनिट, 1 यूनिट खर्चे की कितने के बराबर है, 525 के।
जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यानी 5600 में से 1575 हो जाएगा ये, इसको घटाएंगे तो 4025 रुपीज, ये बी की सेविंग हो जाएगी। तो बी की सेविंग कहाँ है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी तीन लोग हैं जिनकी टोटल आमदनी या आय कितनी है, 42,000 रुपीज, और उसने इनकी खर्च बता दिए हैं और इनकी बचत बता दी है। अब वो इनकम पूछ रहा है, तो इनकम कैसे निकालेंगे? खर्चे और बचत को जोड़ के। देखिए ए है, बी है और सी है। सेविंग का रेशियो कितना दिया हुआ है? 50, 21 एंड 40। एक्सपेंडिचर कितना बता रहा है? 50% ऑफ इनकम। किसका? ए का। ए की इनकम का 50%। बी जो है वो कितना है? 65% ऑफ इनकम ऑफ बी। और ये कितना है? 72% ऑफ इनकम ऑफ सी। अब देखिए अगर ये 50% खर्च करता है तो बचाता कितना है? इनकम तो 100% होती है, 50%। तो 50% बचा के कितना बच रहा है उसको? 15 यूनिट। तो यानी कि इनकम कितनी हो जाएगी? जब किसी संख्या का 50% 15 है तो उस संख्या का 100% कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए यहाँ पे बी ने 65% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 100 में से? 35%। और वो 35% किसके इक्वल है? 21 के। तो यहाँ समझ लीजिए इसको, 35% इक्वल है 21 के। 1% कितने के इक्वल हो जाएगा? 21/35 के हो जाएगा। तो 100% कितने के इक्वल हो जाएगा? 21/35 × 100। ठीक है, 5 से ये 7 टाइम, 5 से ये 20 टाइम, 7 से ये 3 टाइम, यानी 60 के। कितने के इक्वल हो जाएगा? 60 के। तो इसकी इनकम हो गई 60 यूनिट। अब यहाँ पे सी जो है वो 72% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है? 28%। अब किसी इनकम का 28% जब वो सेविंग करता है तो वो कितना है? 14 यूनिट। तो उसका 100% कितना हो जाएगा? जब इसको निकालेंगे तो ये निकलेगा 50। कितना निकलेगा? 50 यूनिट। अगर आप चाहें तो 0 0 हटा दीजिए इनके बीच का रेशियो निकालने के लिए। तो इनकम कितने यूनिट होगी उसकी? रेशियो कितना हो गया? 3, 6, 9 एंड 5, 14 यूनिट। कितने यूनिट हो गई? 14 यूनिट। तो अब ये पूछ क्या रहा है? सी की इनकम पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालते हैं सी की इनकम? तो सी का हिस्सा कितना है? देखिए सी का हिस्सा है 5 यूनिट। टोटल पैसे कितने हैं? 42,000। और टोटल यूनिट कितनी है? टोटल हिस्से कितने हैं? 14। 14 से इसमें भाग दिया 3000 टाइम, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15,000। तो 15,000 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो ये थे आज के टॉपिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अनुपात और समानुपात में बनने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और उनको करने की स्मार्ट अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, और वो अप्रोच कैसे बनती है, वो अप्रोच कैसे बनती है, वो हमने यहाँ आज डिस्कस करी। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि आप पूरी वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगी, आप बल्कि इसमें मास्टर हो जाएंगे। इससे बाहर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो भी होगा इन्हीं में थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा और लॉजिक उनके सेम रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ फ्रेश टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे लॉजिक और स्मार्ट अप्रोचेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।